चलो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन रीड आउट करता हूं मैं, आप भी साइमल्टेनियसली डायग्राम देखो, रेफर करो। इन द अरेंजमेंट शोन इन द फिगर, पुलिस ए सर एंड ये बी। शेयरिंग तो स्टार्ट नहीं हो रहा है, दिखा रहा है मेरे लिए। शेयरिंग स्टार्ट नहीं है, नहीं हुआ, दिख रहा है, हुआ सर, दिख रहा है सर। हाँ सर, ओके, एक बार आप बेटा जस्ट एक बार लॉग आउट करके वापस से री लॉग इन कर लो। इन द अरेंजमेंट शोन में, in the arrangement shown in the figure, pulleys A and B are massless and the thread is inextensible. Mass of pulley is equal to M. Okay, so ye cheezon ka dhyan rakho ki kaun kaun sa massless diya hua hai, kaun sa mass ka diya hua hai, ye aur ye, ye dono aapke massless hai. These are massless, matlab ideal pulleys hai, aur iski mass aapki M hai. This is the mass of M. If friction in all pulleys is negligible, then kya kya find karna, multiple options hai. टेंशन इन थ्रेड फाइंड आउट करनी है, एक्सेलरेशन ऑफ पुली सी फाइंड आउट करनी है, एक्सेलरेशन ऑफ पुली ए फाइंड आउट करनी है। तो बेसिकली चार ऑप्शन में से यही चीजें फाइंड आउट करनी है अपने को। तो अब जैसे अटेम्प्ट करना स्टार्ट करते हैं, मैं इस डायग्राम को एक बार जस्ट कॉपी पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे। अरे ये क्या हो गया, डायग्राम क्यों नहीं आ रहा अभी? ठीक है, देखो अभी इस डायग्राम में जस्ट रेफर करो पहले। इसमें स्ट्रिंग देखो कितने हैं, स्ट्रिंग कितना है इसमें, एक सिंगल स्ट्रिंग है, दिख रहा है आपको? अगर आप देखोगे यहाँ पे, देखो ये वाली स्ट्रिंग जो इधर से इधर गई है, ये इधर से रैप अराउंड होके फिर इधर से रैप अराउंड होके फिर इधर से होके फिर इधर आई है, ये सिंगल स्ट्रिंग ही हुआ ना? यस सर। और सिंगल स्ट्रिंग में आपको पता है टेंशन हर जगह सेम होगा, तो मैं एक सिंगल वेरिएबल यहाँ के टेंशन के लिए यूज कर रहा हूँ। तो यहाँ पे टेंशन अगर टी लिखा है मैंने, तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी टी होगा, फिर यही टेंशन आपका यहाँ पे भी टी होगा, यही टेंशन यहाँ पे भी टी होगा, और इस तरफ का भी टेंशन टी होगा। एक इंटरेस्टिंग चीज नोटिस करो, पुली ए क्या है, मासलेस है, और मासलेस चीजों के ऊपर नेट फोर्स कितना होना चाहिए, कितना होना चाहिए? जीरो। जीरो। जीरो होना चाहिए, पुली ए इज मासलेस। यस। एंड इससे हम ये कंक्लूजन ड्रॉ कर रहे हैं कि नेट फोर्स ऑन ए ये जीरो होनी चाहिए। अब पुली का वैसे भी मास है नहीं, तो उसपे क्या क्या फोर्सेस लग रहे हैं, सिर्फ टेंशन ही लग रहा है, इसका मतलब टेंशन का वेक्टर सम कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो ऊपर की तरफ टू टी एंड नीचे की तरफ टी, दे शुड बी इक्वल टू जीरो, राइट? राइट राइट और नो? यस सर। तो इससे इनडायरेक्टली क्या पता चला आपको, टेंशन कितनी है, जीरो है ना? समझ आई आपको? यस सर। ये बेसिकली हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, हाइपोथेटिकल सिचुएशन का हाइपोथेटिकल आंसर ही होगा। तो इसको ये सोचने की कोशिश नहीं करना कि सर ऐसे कैसे हो सकता है, ये ऐसा है क्योंकि पुली ए मासलेस है, तो मासलेस चीजों के लिए मासलेस पुली आइडियली तो नहीं होता है ना, प्रैक्टिकली थोड़ी ना आपको प्रैक्टिकली कभी थोड़ी ना आपको आइडियल पुली मिलेगा, वो तो आइडियल सिचुएशन है, मासलेस मान रहे, तो मासलेस के लिए हाइपोथेटिकल पुली है, तो हाइपोथेटिकल टेंशन भी आ रहा है यहाँ पे। समझ आइए आपको? तो इसलिए पहला ऑप्शन तो देखो दे रखा है टेंशन इन थ्रेड इज इक्वल टू एम जी बाई टू, ये गलत हो गया, दिस इज इनकरेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ठीक है, यस सर, ओके, ठीक है। अब पुली सी के लिए देखें, पुली सी के लिए तो इसका वेट भी है, मास एम दिया हुआ था उसके लिए, तो इसकी एक्सेलरेशन को अगर मैं ए सी लिख रहा हूँ यहाँ पे, तो अगर देखोगे तो पुली सी के लिए लिख रहे हैं एम जी माइनस टू टी, दैट शुड बी इक्वल टू मास मल्टीप्लाइड बाई ए सी, एंड टेंशन तो आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, जीरो है, इसका मतलब फ्री फॉल का केस है, एक्सेलरेशन ऑफ सी कितनी आएगी, जी आएगी, तो जो पुली सी है वो जी एक्सेलरेशन से नीचे गिर रहा है, इट्स गोइंग डाउन बाई एक्सेलरेशन जी। वो वैसे भी आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं, जैसे ही अगर आपने टेंशन जीरो डिसाइड कर ही लिया है, तो पुली सी के ऊपर देखोगे अगर टेंशन है ही नहीं, तो इसका मतलब क्या है, फ्री फॉल ग्रेविटी का ही तो केस हो गया ना? यस। यू रियलाइज दैट? तो इसका मतलब सी की एक्सेलरेशन आपकी जी यानी है, जबकि यहाँ पे ऑप्शन बी में जी बाई टू कह रखा है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया, दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। नेक्स्ट, अब एक्सेलरेशन पुली ए का निकालना है।
अब पुली ए का तो मास है नहीं, तो उसका एक्सेलरेशन तो हो सकता है, अगर कोई चीज मासलेस है तो उस पर नेट फोर्स जीरो होगी, बट इसका मतलब ये थोड़ी ना कि वो एक्सेलरेट नहीं करेगा। एक्सेलरेशन कहाँ से निकालेंगे आप? अब कंस्ट्रेंट यूज करेंगे। आपको ये पता है कि स्ट्रिंग का लेंथ तो हम कभी चेंज नहीं कर सकते, तो इसलिए अगर आप पुली सी को नीचे लेके जा रहे हो तो डेफिनेटली पुली ए को आपका ऊपर भी जाना पड़ेगा, ताकि कहीं से इलोंगेशन हो कहीं से कंप्रेशन हो, मिला के आपका चेंज क्या है? जीरो है, राइट? यू रियलाइज दैट? यस सर। ठीक है, तो अब टेंशन का जो वर्चुअल वर्क मेथड वाला कंसेप्ट था उसको यूज कर लेते हैं कि टी डॉट ए, इसका सम बेसिकली जीरो होना चाहिए, तो इसकी एक्सेलरेशन ए की हम मान लेते हैं ऊपर की तरफ है, एक्सेलरेशन ऑफ ए ऊपर मान लिया। अब बस कंस्ट्रेंट लगाएंगे, तो स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट लगा लें एक बार, स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट लिख रहे हैं, तो लिखेंगे आप 2t माइनस t इनटू एक्सेलरेशन ऑफ ए अपवर्ड्स है दोनों, एंड प्लस 2t विद अ नेगेटिव साइन आएगा क्योंकि एक्सेलरेशन ऑफ c डाउनवर्ड्स है, दिस शुड बी इक्वल टू जीरो। देखो समझ आइए क्या आपको? समझ आइए आपको? ठीक है, ये स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट था, तो एक्सेलरेशन ऑफ ए ये बेसिकली ट्वाइस ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ c आ रही है, एंड एक्सेलरेशन ऑफ c आपने g निकाल ही रखा ऑलरेडी, तो कितनी आ जाएगी? 2g हो जाएगी। सो 2g एंड ये अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, 2g अपवर्ड्स। तो अब ऑप्शन देख लें, सो एक्सेलरेशन ऑफ पुली ए इज g अपवर्ड्स, गलत हो गया, एक्सेलरेशन ऑफ पुली ए इज 2g अपवर्ड्स, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सो ओनली वन ऑप्शन वाज करेक्ट हो गया। क्लियर है? यस सर। क्लियर है एवरीबॉडी? क्लियर? यस सर। यस सर। ठीक है, चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। ये एक अच्छा क्वेश्चन है। अ चेन ऑफ मास पर यूनिट लेंथ लैम्डा एंड लेंथ 1.5 मीटर रेस्ट्स ऑन अ फिक्स्ड स्मूथ स्फीयर ऑफ रेडियस 2 बाय पाई मीटर। इसकी रेडियस 2 बाय पाई मीटर दे रखी है, दिस रेडियस इज 2 बाय पाई मीटर्स में, एंड टोटल लेंथ ऑफ चेन इज 1.5 मीटर। सच दैट एंड ए ऑफ द चेन इज एट द टॉप ऑफ द स्फीयर while the other end is hanging freely, okay? Chain is held stationary by a horizontal thread, PA, the tension in the thread is, इसको पहला पार्ट लिख लें, this is first part, ये आपको find करनी है, और एक और पार्ट था, वो कहाँ चला गया, okay, अच्छा, एक और पार्ट कर लेते हैं इसका, the second part is, if the thread is cut at an instant, find acceleration of links of chain immediately after cutting। दो पार्ट है इस क्वेश्चन के, ठीक है, अब इसको करते हैं एक बार। इसको करने से पहले जस्ट आपको एक छोटा सा एक कंसेप्ट दिखाता हूं, देखो जैसे इस कंसेप्ट को हम यहां पे यूज करेंगे, जैसे जल्दी से मुझे डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए, फिर मैं आपको समझाता हूँ कि क्या करने वाला हूँ। सपोजली मैं आपसे ये वाले सिचुएशन को दिखा के पूछू कि यहाँ पे टेंशन कितनी है, आप ये फाइंड आउट करो, क्या आप ये टेंशन तुरंत से बता सकते हैं? क्या ये टग ऑफ वॉर वाले सिचुएशन से कंपेरेबल है? एंड टू एंड कनेक्शन दिख रहा है? दिख रहा है? हाँ सर। इस तरफ से पुलिंग फोर्स आ रही है आपकी एम वन जी साइन थीटा वन, और इधर से पुलिंग फोर्स आ रही है एम टू जी साइन थीटा टू। टेंशन तो इंटरनल फोर्स है इस पूरे सिस्टम के लिए, तो वो मैटर नहीं करेगा मेरे लिए, बीच में जो M1 M2 को जो कनेक्ट कर रहा है। तो अब अगर देखोगे तो टेंशन डायरेक्टली क्या हम लिख सकते हैं, टेंशन की वैल्यू जो हमें चाहिए M1
g sin theta 1 plus m2 g sin theta 2 लिख सकते हैं ना ऐसा? Yes, लिख सकते हैं सर। अब देखो इसमें बेसिकली क्या है, दो अलग अलग स्लोप का लाइन जो है मतलब इंक्लाइन प्लेन वो आपको समझ में आ रहा है, इसलिए दोनों का आपने अलग अलग निकाल के सम कर दिया। ऑलमोस्ट सिमिलर चीज अगर मैं बोलूंगा, ऑलमोस्ट सिमिलर, सेम तो नहीं बोलूंगा बट ऑलमोस्ट सिमिलर, देखो यहाँ पे भी है। आप देखो ये जो क्वार्टर सर्कल ऑफ रिंग है, मतलब क्वार्टर सर्कल ऑफ चेन जो या थ्रेड जो भी बोलो, जो थ्रेड है या चेन है जो भी बोला, तो क्या बोला था उसने, चेन है सॉरी, तो थ्रेड मैंने लिख दिया यहाँ पे, इसको मैं चेन ही लिख देता हूँ यहाँ पे, दिस इज चेन। ठीक है, तो ये जो वन क्वार्टर ऑफ अ चेन है, वन क्वार्टर ऑफ चेन जो आपको दिख रहा है, तो वो वन क्वार्टर ऑफ चेन के लिए अगर आप छोटे छोटे एलिमेंट्स में उसको डिवाइड करोगे, छोटे छोटे एलिमेंट्स में डिवाइड करो, जैसे आप चले जाओ यहाँ पे, से आप यहाँ पे थीटा एंगल पे चले गए, तो यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट आपको दिखेगा, देखो यहाँ पे ये देखो, ये एक छोटा सा ब्लॉक की तरह दिख रहा होगा, दिख रहा है आपको? यस सर। और ये देखो यहाँ पे एक इंक्लाइन सर्फेस पे रखा हुआ है, देखो आपको समझ आ रही है इंक्लाइन प्लेन? यस सर। ठीक है, और ऐसा देखो छोटा छोटा अगर मैं ब्लॉक्स बोलूं तो पूरा का पूरा थीटा 0 डिग्री से लेके थीटा 90 डिग्री तक पूरा छोटे छोटे एक एक ब्लॉक दिखेंगे आपको, दिख रही है? यस सर। तो इसका मतलब इसका भी जैसे पिछली बार हमने किया कि mg के कंपोनेंट अलोंग द इंक्लाइन लेके ऐड कर दिया, तो वैसे ही ये जो छोटा सा एलिमेंट आपको दिख रहा है d थीटा, यू नो एंगुलर पोजीशन पे वहां पे जाके टॉप में जो दिख रहा है dm मास का, वो dm मास का ही ऑब्वियसली क्योंकि छोटा सा एलिमेंट है, तो उसका जो कंपोनेंट होगा वेट का अलोंग द इंक्लाइन मतलब पैरेलल टू इंक्लाइन, उस कंपोनेंट को ही बस निकाल के मुझे ऐड अप कर लेना है। एंड ऐड करने का तरीका क्या है, इंटीग्रेट करना है ना, है या नहीं है? तो बस यही काम अब हम कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो मैं इसको छोटा सा एक एलिमेंट की मास को मैं dm दिखा रहा हूँ, तो dm इंटू जी वेट लग रही है, और ये एंगल थीटा 90 माइनस थीटा, तो इधर का कंपोनेंट आपका थीटा हो जाएगा, तो ये आएगी आपकी dmg cos थीटा हो जाएगी, दिस इज dmg इंटू cos थीटा आएगा। तो ये dmg cos थीटा जो है इसी को आपको 0 से लेके 90 डिग्री तक इंटीग्रेट कर लेना है। इसका जो छोटा सा लेंथ आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये लेंथ इसको अगर बोलूं तो ये r इंटू d थीटा का लेंथ होगा, होगा ना? यस सर। होगा ना? यस, क्योंकि रेडियस r पता है आपको, एंगुलर पोजीशन d थीटा मतलब एंगुलर पोजीशन जो ऑक्यूपाई कर रहा है वो एलिमेंट, उसका d थीटा है, तो लेंथ उसकी r d थीटा हो गई है। तो ये लेंथ हमने क्यों निकाला, क्योंकि देखो यहाँ पे उसने जो दे रखा है चेन का मास पर यूनिट लेंथ दे रखा है, मास पर यूनिट लेंथ मतलब यूनिटरी मेथड लगाओ, मास पर यूनिट लेंथ मतलब कि 1 मीटर लेंथ का मास लैम्डा है, यही मीन कर रहे हैं वो, तो r d थीटा लेंथ का मास कितना होगा, तो वो dm आप बेसिकली इजीली निकाल सकते हैं कि dm बाय dl ही बेसिकली क्या है आपका, लैम्डा है। तो dm की वैल्यू अगर लिखोगे तो लैम्डा इनटू dl लिखना पड़ेगा, एंड dl कितना है यहां पे, r इनटू d थीटा, समझ आ रही है आपको? यस, डू अंडरस्टैंड दिस? यस यस सर। ठीक है, तो ये वाला पार्ट जो आपको करना है, ये वाला पार्ट मतलब ये जो dmg cos थीटा जो मैंने निकाल रखा है, इसको आपको इंटीग्रेट करना है 0 से लेके पाई बाय 2 तक, और नीचे में एक पोर्शन है जो हैंग कर रहा है, उसका तो पूरा का पूरा वेट ही नीचे हैंग कर रहा है, दिख रहा है आपको? वो पूरा का पूरा पुलिंग फोर्स में कंट्रीब्यूट करेगा, ये समझ आ रही है आपको, जो जो वर्टिकली हैंग कर रही है, समझ आ रही है आपको? समझ आ रही है? Yes, यहाँ पे इसको सी कह लेते हैं, तो बीसी पोर्शन में आप सोचो बीसी का लेंथ कितना, पहले वो निकाल लेते हैं। अच्छा पहले एसी का लेंथ कितना है, एसी की वैल्यू कितनी होगी, आर इंटू पाई बाय टू होगी ना, होगी नहीं? एसी की लेंथ कितनी होगी, आर इंटू पाई बाय टू? यस सर। एंड आर की वैल्यू 2/π दे रखा है, तो 2/π मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 1 मीटर आएगा ना, 1 मीटर राइट? तो अगर ए सी पार्ट 1 मीटर का है तो बी सी पार्ट कितने का हो गया, 0.5 मीटर का, 0.5 है ना, क्योंकि टोटल लेंथ 1.5 मीटर दिया हुआ था, रिमेम्बर? यस। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, जो हमारे क्वेश्चन में, सो फॉर आवर क्वेश्चन ये वाली कंसेप्ट को हम यूज करेंगे, जो मैंने आपको यहाँ पे इंक्लाइन प्लेन वाला दिखा रखा है, इस कंसेप्ट को यूज करेंगे, यूजिंग दिस कंसेप्ट इन आवर न्यूमेरिकल जो टेंशन मिलेगा दैट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ डी एम जी कॉस थीटा 0 से लेके पाई बाई 2 तक, ये सिर्फ और सिर्फ वो कर्व पोर्शन पे जितना मास रखा हुआ है, एंड प्लस जो लटका हुआ है, लटका हुआ पोर्शन के लिए, लटका हुआ पोर्शन के लिए तो पूरा लेना पड़ेगा, तो लैम्डा टाइम्स ऑफ उसका लेंथ, बीसी का लेंथ कितना है, 0.5 मीटर, तो ये उसका मास हो गया, एंड इसके साथ जी मल्टीप्लाई कर देंगे, आपको समझ आई है? समझ आई है आपको? यस। ये वाली है
ड्यू टू इसका ऊपर वाला सेगमेंट का नाम क्या था एसी दिस इज ड्यू टू एसी एंड ये वाला पोर्शन है ड्यू टू सीबी आई होप आपको समझ आई ये बात यस सर वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो लैम्डा इनटू आर डी थीटा इनटू जी कॉस थीटा जीरो से लेके पाई बाई टू तक एंड प्लस लैम्डा बाई टू इनटू जी आ जाएगा सो दिस बिकम्स लैम्डा आर जी एंड कॉस थीटा डी थीटा कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा साइन थीटा राइट डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा है बट इंटीग्रेशन क्या है साइन थीटा है ना अरे हाँ या ना तो बोल दो कम से कम ठीक है तो ये आएगी आपके पास लैम्डा टाइम्स ऑफ अच्छा रेडियस की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं 2 बाय पाई था वो रेडियस वाज 2 बाय पाई उसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं यहां पे 2 बाय पाई इनटू जी एंड साइन थीटा का अपर लिमिट पाई बाय 2 है लोअर लिमिट 0 है तो साइन थीटा मतलब 1 ही आ जाएगा एंड प्लस लैम्डा बाय 2 इनटू जी आ जाएगी सो दिस बिकम्स लैम्डा जी कॉमन ले लें तो यार ये 2 बाय पाई एंड प्लस हाफ दैट इज द फाइनल आंसर ये टेंशन की वैल्यू हमें मिल चुकी है दिस इज द फर्स्ट पार्ट आंसर ठीक है अब सेकंड पार्ट के लिए आते हैं कि उसने बोला है कि अगर चेन को हमने बर्न कर दिया तो फिर एक्सेलरेशन कितनी आएगी अब इसमें ही सोचो ये वाली जो वेज पे जो दिख रही है सिस्टम उसके बारे में सोचो अगर इमेजिन करो जो पुलिंग फोर्स टेंशन का दिख रहा है अगर उसको रिलीज कर दिया तो एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे नेट पुलिंग फोर्स जो अलॉन्ग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग आ रही है वो एम वन जी साइन थीटा प्लस एम टू जी साइन थीटा एंड डिवाइड बाई टोटल मास कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा एक्सेलरेशन मिल जाएगा ना राइट हाँ सर समझ आ रही है मतलब बेसिकली उसको रोकने वाला जो फोर्स था अगर वो हट गया तो बेसिकली वही तो अनबैलेंस हो गया ना तो वो अनबैलेंस फोर्स ही बेसिकली टोटल मास से अगर आप डिवाइड कर दोगे तो आपको एक्सेलरेशन मिल जाएगा तो इधर से जो आपने टेंशन निकाला है ये टेंशन ही बेसिकली अगर आपने हटा दिया तो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में वो क्या करेगा एक्सेलरेट कर जाएगा बस इस टेंशन से आप मास को डिवाइड कर दो आपको एक्सेलरेशन भी मिल जाएगा आपको समझ आई बात क्या किया हमने सो एक्सेलरेशन Once string is burnt, yes, chain था sorry. ना string ही तो बन गया था हमने. String is burnt is a की value will be lambda g into 2 by pi plus half and divided by total mass. ये total mass लेना आपको. And values को substitute कर दे तो ये जाएगा lambda g into 2 by pi plus half and divided by total mass, which is lambda times of 3 by 2, 1.5 था तो उसको 3 by 2 लिख लिया तो ये लैम्डा लैम्डा कैंसिल आउट हो गया एंड दिस बिकम्स 2/3 ऑफ जी इनटू 2 बाय पाई एंड प्लस हाफ ये फाइनल आंसर हो जाएगा क्लियर है सभी को यस सर ठीक चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं ये काफी अच्छा क्वेश्चन है If the force of 80 Newton is directed vertically up as shown in the given figure, the acceleration of 10 kg, 15 kg blocks will respectively be. अब options दे दिया आपको, and अब आपको ये find करना है दोनों की individual acceleration कितनी आएगी. Friction coefficient आपको block 10 kg और 15 kg के बीच में दिया है, but 15 and ground के बीच में नहीं दिया हुआ है. तो एक बार just roughly एक बार forces का सिचुएशन दिखा देते हैं कि किस पे किधर फोर्स लग रही है एक बार वो दिखा देते हैं मैं इस डायग्राम को एक बार कॉपी कर लेता हूं यहां पे एक बार जस्ट फोर्सेस दिखा देते हैं यहाँ पे इस पे फोर्स ऊपर की तरफ लग रही है थोड़ा बड़ा कर लेते हैं अच्छे से दिखेगा देखो एक सिंगल स्ट्रिंग है ना एक बार जस्ट एक बार आइडेंटिफाई कर लो ये वाली स्ट्रिंग घूम के इधर से इधर दिस सिंगल स्ट्रिंग और सिंगल स्ट्रिंग में टेंशन हर जगह सेम होगा तो इसलिए मैं यहाँ पे अगर टेंशन एफ दिखाया है तो पक्का है इधर भी एफ होगा इधर भी एफ होगा इधर भी एफ होगा और इधर भी एफ होगा सही है ना यस सर यस सर ठीक है
अब 15 केजी ब्लॉक पे 10 केजी वाला ब्लॉक राइट की तरफ जाने का टेंडेंसी रखता है, तो इसलिए फ्रिक्शन उस पे जो लगेगी वो बैकवर्ड्स लगेगी। ये फ्रिक्शन इधर दिखाया बैकवर्ड्स, एंड यही फ्रिक्शन रिएक्शन की तरह 15 केजी ब्लॉक पे राइट की तरफ लगेगी, दिस विल बी फ्रिक्शन ओवर हियर। फिर 10 केजी ब्लॉक का खुद का एक वेट होगा, दिस विल बी 10g, और 15 केजी वाला ब्लॉक 10 केजी वाले ब्लॉक पे एक नॉर्मल रिएक्शन n लगाएगा, वही नॉर्मल रिएक्शन आपकी इस पे। अच्छा इसको अलग करके दिखा देते हैं, बेकार का गंदा सब ये इधर इसको अलग करके दिखा देता हूं, यानी तो डायग्राम थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगेगा। अच्छा यहाँ पे बस मैंने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मतलब टेंशन के अलावा जो फ्रिक्शन जो जनरेट हो रहा था बस उसको दिखाया है, वेट वगैरह को नहीं दिखाया, वो नीचे में इंडिविजुअल डायग्राम में दिखा देंगे। एक चीज इंटरेस्टिंग चीज नोटिस करो आप यहाँ पे कि अगर मैं ब्लॉक 10 केजी का एक्सेलरेशन अगर राइट की तरफ मानता हूँ, ठीक है, इफ दिस हैज एन एक्सेलरेशन ऑफ A1 मान लेते हैं एंड 15 केजी का एक्सेलरेशन आप A2 मान लो, तो एक चीज तो आपको समझ में आ रहा है कि अगर 10 केजी वाला ब्लॉक राइट की तरफ जाएगा तो जो 15 केजी वाला ब्लॉक है उसको लेफ्ट की तरफ जाना पड़ेगा। अभी वो लेफ्ट की तरफ क्यों जाएगा, राइट की तरफ क्यों नहीं जा सकता, 15 केजी वाला ब्लॉक भी राइट की तरफ क्यों नहीं जा रहा है, फिर उसके ऊपर फ्रिक्शन तो आगे की तरफ लग ही रहा है। अगर आप देखोगे यहाँ पे 15 केजी वाले ब्लॉक पे मैंने यहाँ पे फ्रिक्शन आगे की तरफ दिखाया है यहाँ पे, और यहाँ पे एक फोर्स एफ बैकवर्ड दिखाया है, तो इससे इन दोनों में से मतलब कैसे डिसाइड करें कि मतलब 15 केजी वाला ब्लॉक किस तरफ मूव करेगा। तो आप एक चीज जैसे इस तरह से सोचो, अगर मैं इन दोनों को एक कॉम्बाइंड मास की तरह सोचता हूँ, जस्ट थिंक ऑफ देम टुगेदर एज अ कॉम्बाइंड मास सिस्टम, डू यू सी एनी नेट एक्सटर्नल फोर्स इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन? थिंक ऑफ देम टुगेदर एज अ कॉम्बाइंड मास सिस्टम, डू यू सी एनी नेट एक्सटर्नल फोर्स इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन फॉर द कॉम्बाइंड मास सिस्टम, मतलब पुली वगैरह सब इंक्लूडेड, बताओ? नो सर। सारा देखो पेयर में एग्जिस्ट करता है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। तो इससे मुझे एक चीज इमीडिएटली पता चल रही है, नेट फोर्स अगर हम देखते हैं, नेट फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ऑन 10 केजी प्लस 15 केजी सिस्टम इज जीरो। ये गिवन है, दिस इज गिवन सिचुएशन, ये मैंने निकाला नहीं, मतलब मैंने कुछ ये नहीं किया है, ये गिवन ही है, सिचुएशन ही ऐसा दिया हुआ है। तो इससे क्या हम ये लिख सकते हैं कि नेट फोर्स ऑन 10 केजी प्लस नेट फोर्स ऑन 15 केजी दिस शुड आल्सो बी जीरो, लिख सकते हैं? यस सर। और नेट फोर्स को आप क्या लिखते हो, मास इनटू एक्सेलरेशन लिखते हो या नहीं लिखते हो? डू यू राइट दैट वे? यस सर। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं 10 टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ 10 केजी ब्लॉक प्लस, ये वेक्टोरली लिख रहे हैं, 15 टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ 15 केजी ब्लॉक, दिस शुड बी जीरो, ऐसा लिख सकते हैं? यस सर। समझ आई आप सभी को? समझ आई? यस सर। इसका मतलब क्या निकला? इसका मतलब ये निकला कि अगर दो चीजों का सम अगर जीरो है तो डेफिनेट है ना कि डायरेक्शन दोनों का उल्टा होना पड़ेगा, तभी तो वेक्टर सम जीरो आएगा। दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे तो कभी भी वेक्टर सम तो जीरो नहीं हो सकती है ना, हो सकती है क्या? नहीं सर। तो इसका मतलब ये कंक्लूजन निकला कि एक अगर राइट की तरफ जा रहा है तो दूसरा लेफ्ट की तरफ जाएगा ही जाएगा। तो इसीलिए मैंने क्या किया, 15 केजी ब्लॉक का एक्सेलरेशन को, इसको एक काम करते हैं A10 लिख देते हैं, और 15 केजी ब्लॉक का एक्सेलरेशन को मैं अब लेफ्ट की तरफ दिखा रहा हूं और इसको मैं A15 कह रहा हूं। आई होप आपको ये बात समझ आ गई है, ठीक है? हां सर। यस सर। ठीक है, तो अब मैं इसको नेक्स्ट स्टेप में मैं इसको ऐसा लिख देता हूं, 10 टाइम्स ऑफ A10 दिस इज 15 टाइम्स ऑफ A15। देखो मैंने वेक्टर सिंबल हटा दिया है, समझ आई आपको? हां सर। क्योंकि अगर वेक्टर सिंबल हटाओगे तो एक नेक्स्ट स्टेप में एक माइनस आएगा, और माइनस आएगा फिर राइट हैंड साइड में जाएगा तो फिर प्लस हो जाएगा। डिड यू अंडरस्टैंड? डिड यू अंडरस्टैंड एवरीबॉडी? डिड यू अंडरस्टैंड? प्लीज कंफर्म। यस सर। यस सर। ठीक है। हां सर। ठीक है बेटा, चलो अभी आगे बढ़ते हैं। चलो ठीक है, इसमें देखो ये बेसिकली एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स के बीच में रिलेशन मिल गया। कोई अगर ये सोचता कि ये एक्सेलरेशन हम कंस्टेंट से अगर निकालने की कोशिश करते तो क्या हमसे निकलता या नहीं निकलता, एक बार ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं, ठीक है? जस्ट चेक करते हैं। तो अगर मैं ये देखूं कि 10 केजी वाले ब्लॉक पे इधर एक टेंशन एक्ट कर रहा है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की सिर्फ हम बात कर रहे हैं, और 15 केजी वाले ब्लॉक पे एक इधर एक्ट कर रहा है, तो ये दोनों सिर्फ मूवेबल एंड नहीं है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये दोनों मूवेबल एंड है, मूवेबल एंड एक देखो यहाँ पे भी है, दिख रही है?
क्योंकि ये वाला पोर्शन सोचो, जब ये वाला ब्लॉक इधर से इधर जाएगा, फिर ये वेज भी थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगा इसकी तरफ, जब शिफ्ट होगा मतलब ये ब्लॉक थोड़ा सा इधर शिफ्ट हो गया, ये पुली भी थोड़ा सा इधर शिफ्ट हो गया, तो इनके बीच का लेंथ थोड़ा सा घट गया ना, ये वाला घटा, दिख रही है आपको? Yes, sir. तो ये लेंथ घटेगा तो कहीं तो बढ़ना पड़ेगा ना, तो घटे बढ़ेगा कहाँ पे? यहाँ पे बढ़ जाएगा, क्योंकि ये तो इधर से कोई पुल कर रहा है ना इसको, समझ आ रही है आपको? Yes, sir. ठीक है, तो यहाँ पे इस यहाँ का कोई इन्फॉर्मेशन आपको है नहीं कि मतलब इस एंड का कितना एक्सेलरेशन होगा, इससे कोई ब्लॉक भी कनेक्टेड नहीं है, तो इसका एक्सेलरेशन आप एक्चुअली मतलब इसकी भी एक्सेलरेशन के लिए एक और वेरिएबल आपको लेना पड़ता, एंड फिर आप एक्सेलरेशन का कंस्टेंट का रिलेशन निकाल सकते थे, मतलब टेंशन वाला जो मेथड है। अगर आप यहाँ का सपोजिटली मतलब आप अगर मान लेते हैं कि इस फ्री एंड का एक्सेलरेशन को यहाँ पे मान रहे हैं ए फ्री लिख रहे हैं, ठीक है, ए फ्री एंड लिख रहे हैं इसके लिए, तो अब अगर आप देखते तो एक्सेलरेशन का कंस्टेंट अब आप लगा सकते थे इसके लिए पूरे सिस्टम के लिए, तो फ्री एंड का एक्सेलरेशन एक अगर देखोगे तो उसकी वजह से इलोंगेशन आएगा, तो एक्सेलरेशन ऑफ फ्री एंड अगर लिखते हैं तो ये डेफिनेटली आपका दो तरफ से कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, तो ए टेन प्लस ए फिफ्टीन आ जाता, समझ आ रही है आपको? हाँ सर, ठीक है, बट इससे देखोगे तो एक्सेलरेशन ऑफ फ्री एंड खुद एक अननोन है, तो उससे आप उसको अगर यूज करने की कोशिश करते तो एक नया ही वेरिएबल इंट्रोड्यूस हो जाता जो आपके काम का नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पे नेट फोर्स जीरो देख के हमने ये कंक्लूजन ड्रॉ कर लिया कि एक्सेलरेशन ऑफ 10 केजी एंड एक्सेलरेशन ऑफ 15 केजी ब्लॉक्स के बीच में रिलेशन क्या है। ठीक है, ये एक हैंडी तरीका है, ध्यान रखना कभी भी कंबाइंड मास सिस्टम के लिए नेट फोर्स जीरो दिखे तो नेट फोर्स ऑन दी टू या थ्री जितना भी मासेस है सबका वेक्टर सम करोगे तो जीरो आना चाहिए, मतलब मास से एक्सेलरेशन को इंडिविजुअली मल्टीप्लाई करो एंड देन एडअप करते चले जाओ एंड देन इक्वल टू जीरो कर दो, इससे भी काम बन जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इंडिविजुअल ब्लॉक्स का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे, मतलब 10 केजी का अलग से एंड 15 केजी का अलग से, दोनों के लिए अब अलग अलग फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं। ठीक है, अब उसको देखते हैं एक बार। सो एफबीडी फॉर 10 केजी एंड यहां पे अलग से एफबीडी फॉर 15 केजी, पहले 10 केजी के लिए 10 kg ब्लॉक, तो इधर से 10 जी का एक फोर्स आएगा, फिर इधर से एक नॉर्मल रिएक्शन आएगा, यहां से एक पुलिंग फोर्स था F का और यहां पे फ्रिक्शन इस पे बैकवर्ड्स लग रही थी और इसकी एक्सेलरेशन हमने A 10 चूज किया था। एक बार कंफर्म कर लेते हैं कि यही फोर्सेस थे या कुछ और भी था। F F A 10 एंड बस यही है और कुछ नहीं है। ठीक है ना, देख लो एक बार, कंफर्म कर लो, देख लो एक बार, चेक कर लो, देख लो एक बार। हाँ सर, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अभी एफबीडी फॉर 15 केजी ब्लॉक लिखे, 15 केजी वाले ब्लॉक के लिए लिख रहे हैं, तो 15 केजी वाले ब्लॉक के लिए क्या क्या आएगा, इसका पुली भी जो है, दोनों को पुली को उसके साथ पार्ट में रखना, ठीक है, क्योंकि पुली का रिएक्शन कितना ये सब आपको पता नहीं है, तो इसलिए पुली को भी उसका पार्ट ही बना दो, पुली वैसे भी मासलेस है, उससे हमें फर्क नहीं पड़ेगा, तो मैं पुली को उसके साथ अटैच करके रखूंगा। ठीक है, अब ध्यान रखना इसका, पुली को अलग करके अननेसेसरी सिचुएशन हमारे लिए कॉम्प्लिकेट ही होगा। पुलीज मासलेस है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर पुली को हटाओगे तो उसका रिएक्शन फोर्स आपको दिखाना पड़ेगा जो कि आपको पता नहीं है, तो इसलिए पुली को ही ले लिया यहाँ पे, यहाँ से एफएफ आ गया, फिर इधर से भी एक और पुली है, यहां से भी एफ है, यहां से भी एफ है। ठीक है, फिर फ्रिक्शन आगे की तरफ है, ये फ्रिक्शन है और यहां से एक नॉर्मल रिएक्शन है और एक इसका खुद का वेट भी होगा, 15 केजी का है, तो ऑब्वियसली 15 जी यहां से एक्ट करेगा एंड ग्राउंड एक नॉर्मल रिएक्शन ऑफर कर रहा होगा एंड इसकी एक्सेलरेशन हमने लेफ्ट की तरफ ए 15 चूज कर रखी है। देख लो एक बार फ्री बॉडी डायग्राम, एक बार कंफर्म कर लो, देखो अगर कुछ कंफ्यूजन है तो पूछ लो, क्योंकि बस इक्वेशन लिखेंगे। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग इक्वेशन लिखना है, देख लो। यस सर, ओके। देख लो एक बार आराम से देखो, और उसपर से कुछ कंफ्यूजन है तो बताओ मुझे। नहीं सर, ठीक है। हाँ सर, ठीक है। पक्का? सभी के लिए कंफ्यूजन नहीं है ना? आगे बढ़े, देखो भी इक्वेशन लिखा। नहीं सर। सर मेरे लिए कंफ्यूजन है सर। बोलो। सर यहाँ हम फ्रिक्शन का 60 न्यूटन क्यों नहीं लिख दे रहे हैं, तो फिर तो आराम से निकल नहीं जाएगा क्या?
फ्रिक्शन 16 न्यूटन लिखेंगे ना, फ्रिक्शन लिखेंगे डेफिनेटली लिखेंगे, अभी फ्रिक्शन लिखेंगे लिखेंगे फ्रिक्शन को म्यूटेंस ऑफ नॉर्मल रिएक्शन तो लिखना ही है। हां सर, क्योंकि रिलेटिव स्लिपिंग तो हो रहा है। हां तो फ्रिक्शन की वैल्यू को आप डेफिनेटली लिखेंगे, अभी नेक्स्ट स्टेप पे लिखेंगे। अप्लाइड फोर्स आपका 18 न्यूटन का है, वो भी तो नहीं लिखा मैंने, देखो कहीं पे सब एफ ही रहने दिया ना सबको, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे अभी। वही कंफ्यूजन हो रहा था। ठीक है बेटा, तो देयरफॉर एक्सेलरेशन ऑफ 10 केजी ब्लॉक विल बी एफ माइनस ऑफ फ्रिक्शन एंड डिवाइडेड बाय मास व्हिच इज 10। एफ की वैल्यू इज 80 है एंड फ्रिक्शन को न्यूटन्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन लिखना है, तो 0.6 × 10 g एंड डिवाइड बाय मास व्हिच इज 10 लिखेंगे। ये डेसिमल हटा देते हैं, ये कट जाएगा यहां पे, तो 80 माइनस 60 इज 20, 20 बाय 10 इज 2, सो दिस इज 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ रही है। एक्सेलरेशन ऑफ 10 केजी ब्लॉक इज 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब यही काम इधर भी करें 15 केजी ब्लॉक के लिए, तो एक्सेलरेशन ऑफ 15 केजी ब्लॉक विल बी एफ माइनस ऑफ एफ, देखो ये इसमें भी एफ माइनस एफ ही आ रहा है, दिख रहा है आपको, दिख रही है आपको? हां सर हां। एंड डिवाइड बाय 15 लिख लेंगे, एंड डिवाइड बाय 15 लिख लेंगे, तो f माइनस एफ मतलब एफ आया आपका 80 माइनस 60 एंड डिवाइड बाय 15 विच इज 1.5, क्योंकि 20 डिवाइडेड बाय 15 आ रहा है, मतलब 4 बाय 3 आ रहा है, तो मतलब 1.33 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ रहा है। क्लियर है? क्लियर है? यस सर। ठीक है सर। अगर मान लो ग्राउंड का रिएक्शन निकालना होता 15 केजी ब्लॉक के लिए, तो क्या करते, वर्टिकल डायरेक्शन में क्या क्या फोर्सेस दिख रहे हैं आपको, नीचे की तरफ देखो तो n प्लस f प्लस 15 g दे शुड बी इक्वल टू n g प्लस 2f, दिख रहा है? यस सर। नीचे का फोर्स और ऊपर का फोर्स को इक्वेट कर दिया, तो यहां से एक फोर्स तो यहां से कैंसिल आउट हो जाएगा, और n g की जो वैल्यू आ रही है दैट इज कमिंग आउट टू बी 15 g प्लस n माइनस ऑफ f, मतलब ये हो जाता है 150 एंड नॉर्मल रिएक्शन तो 10 g के इक्वल है, तो 10 g एंड माइनस ऑफ f, f था 80, तो ये हो जाता 250 में से 180 चला गया, तो 170 न्यूटन आ जाता। समझ आई आपको? अब एक और ऑप्शन चेक कर लेते हैं। 10 केजी एंड 15 केजी का रेस्पेक्टिवली पूछा है, तो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर टुवर्ड्स राइट एंड 4 बाय 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर टुवर्ड्स लेफ्ट, आपको दिख रहा है पहला ही ऑप्शन मैच कर गया है, दिख रही है? यस सर। चलो ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A plank is held at an angle alpha to the horizontal on two fixed supports A and B. The plank can slide against the supports without friction. मतलब A और B पे कोई friction नहीं है। अच्छा, this angle is alpha. ये question mark की तरह दिखा रखा है, ये alpha है, ठीक है? The plank can slide against the supports without friction because of its face mg. mg की वजह से ही वो slide कर रहा है. With what acceleration and in what direction a man of mass m should move so that the plank does not move? Plank को move नहीं कराना है तो man को कितनी acceleration से और किस direction से move करना है, ये पूछा गया है। अब एक चीज clear है, देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे इस इंसान का diagram draw करते हैं, system का ही पूरा ले लेते हैं, इसमें देखो इस प्लैंक का मास कैपिटल एम दिया हुआ है, तो ऑब्वियसली डाउन द इंक्लाइन जो प्लैंक का वेट लग रहा है वो कितना है, एम जी साइन अल्फा, लिख रही है, लग रही है? हाँ सर। और उसने कह रखा है मुझे प्लैंक को रेस्ट पे रखना है, तो प्लैंक के ऊपर फ्रिक्शन किधर लगना है, ये पक्का है ऊपर की तरफ लगना है ना, तभी तो वो रुका रहेगा। तो दिस इज फ्रिक्शन ऑन प्लैंक, और यही फ्रिक्शन इंसान के ऊपर किधर लगना है, फिर नीचे की तरफ लगना है, नीचे की तरफ, एक्शन रिएक्शन, राइट? समझ आ रही है आपको? यस सर। तो इंसान के ऊपर फ्रिक्शन नीचे की तरफ कब लगेगा, ये सोच के देखो, जैसे एक इंक्लाइन प्लेन ऐसा है,
ऐसा एक इंक्लाइन प्लेन है और इंसान इसके ऊपर चढ़ रहा है, तो जब हम पैर से अपने पीछे की तरफ पुश करते हैं, अगर सोचो मैं ऊपर चढ़ूंगा, सोचो इमेजिन करो जो सिचुएशन पॉसिबल है, या तो इंसान ये ऊपर की तरफ चढ़ रहा है या फिर नीचे की तरफ जा रहा है, दो पॉसिबल सिचुएशन है। तो अगर मैं इसको ऊपर की तरफ जाता हुआ मानता हूं, तो फिर ये ऊपर जब जाएगा तो सरफेस को तो अपने पैर से पीछे पुश करेगा ना, तभी तो ऊपर जाएगा। आ रही बात समझ में आपको? हाँ सर, समझ आ रही है। आप चलते हो तो फिर अपने पैर से क्या करते हो, सरफेस को पीछे पुश करते हो, तब फ्रिक्शन आपके ऊपर आगे की तरफ लगता है, तभी तो आप ऊपर की तरफ जाते हो। तो यहाँ पे अगर ये ऊपर जा रहा होता, had the person been going up, तो उसके ऊपर फ्रिक्शन जो रहती वो किधर लगती? ऊपर की तरफ ही लगती, क्योंकि वो उस सरफेस को नीचे पुश करता तो सरफेस उसको क्या करता, ऊपर पुश करता। Do you understand this? Yes, sir. इसका मतलब इंसान जो है, इंसान वो ऊपर एक्सेलरेट कर रहा है या नीचे एक्सेलरेट कर रहा है? ऊपर तो एक्सेलरेट नहीं कर सकता ना, क्योंकि ऊपर एक्सेलरेट करता तो उस पर फ्रिक्शन किधर लगता? इंसान अगर ऊपर जाता तो फ्रिक्शन उस पे किधर लगता? ऊपर ही तो लगता ना। हाँ सर, बट यहाँ पे सिचुएशन क्या है, तो फ्रिक्शन तो यहाँ पे दिख ही रहा है आपको, नीचे लग रहा है। इसका मतलब ये डायग्राम जो है बेसिकली मिसलीडिंग दिखा रखा है, क्योंकि डायग्राम से देखो आपको लग रहा है ना इंसान ऊपर चढ़ रहा है, दिख रहा है आपको? हाँ सर, ठीक है। तो ये इंसान ऊपर चढ़ने वाला केस है ही नहीं, द इंसान इज नॉट गोइंग अप। इसीलिए यहाँ पे उसने पूछा भी है कि ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है। एक्चुअली ऑप्शन भी देखोगे तो तीन ऑप्शन डाउन द इंक्लाइन का है, तो इसमें कंफ्यूजन होने का कोई बात ही नहीं है। डाउन द इंक्लाइन डेफिनेटली आपकी एक्सेलरेशन होगी। इंसान का खुद का मास आपका एम दे स्मॉल एम दे रखा है, तो इसका खुद का मास एम जी दे रखा है, तो यहाँ से इसकी डाउन द इंक्लाइन एक फोर्स ले सकते हैं आपकी एम जी साइन अल्फा। तो स्मॉल एफ का वैल्यू तो आपको पहले ही पता चल जाएगा फॉर प्लैंक, फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ प्लैंक, इक्विलिब्रियम ऑफ प्लैंक, प्लैंक को तो मूव नहीं कराना हमें। तो इससे हमें ये पता चल गया कि फ्रिक्शन की जो रिक्वायरमेंट है दैट इज कैपिटल एम जी साइन अल्फा। और उसके बाद उसने पूछा था इंसान का एक्सेलरेशन, तो ऑब्वियसली उसके लिए सारे फोर्सेस नीचे की तरफ है, तो ये नीचे की तरफ ही एक्सेलरेट करेगा। तो देयरफॉर फॉर पर्सन एक्सेलरेशन इज नेट फोर्स विच इज एफ प्लस एम जी साइन अल्फा एंड डिवाइडेड बाय मास एम, सो दिस बिकम्स कैपिटल एम जी, सर कैपिटल एम होगा ये, कैपिटल एम जी प्लस एम जी साइन अल्फा लिख लेते हैं, एम जी साइन अल्फा प्लस स्मॉल एम जी साइन अल्फा एंड डिवाइडेड बाय स्मॉल एम लिख लेंगे, सो दिस बिकम्स कैपिटल एम प्लस बाय स्मॉल एम प्लस वन एंड इनटू जी साइन अल्फा, ये आंसर आ जाएगा। सो डाउन द इंक्लाइन है, कैपिटल एम बाय स्मॉल एम प्लस वन जी साइन अल्फा डाउन द इंक्लाइन, ये आ जाएगा। क्लियर है? यस सर। Yes, सर आप फ्रिक्शन एक बार समझा देंगे सर, क्यों ये जो फ्रिक्शन वो जो मुझे आवाज नहीं आ रही, फ्रिक्शन क्या पूछ रहे हैं सर? जो मैन है वो डाउन क्यों जा रहा है, अप क्यों नहीं जा रहा है, अप द इंक्लाइन? अगर वो अप जाएगा तो फ्रिक्शन उस पे किधर लगेगा, ऊपर या नीचे? सर मैन के ऊपर। हाँ सर, मैन के ऊपर तो नीचे लगेगा, नीचे लगेगा, तो उसको ऊपर कौन लेके जा रहा है? ओ हाँ हाँ सर, ऊपर लगेगा, सॉरी सॉरी सॉरी। हाँ तो उस पे अगर फ्रिक्शन आपने ऊपर लगाया तो प्लैंक पे फ्रिक्शन किधर लगेगा? पीछे लगेगा। तो प्लैंक को इक्विलिब्रियम में कौन रखेगा? तो प्लैंक को इक्विलिब्रियम में कौन रखेगा? हाँ वही समझ गए सर। और सर आपने नॉर्मल रिएक्शन मार्क, नॉर्मल रिएक्शन की जरूरत नहीं पड़ी, रिएक्शन क्यों नहीं होगा? नॉर्मल रिएक्शन की जरूरत नहीं पड़ी हमें, जरूरत पड़ती तो वो भी मार्क कर लेते, आप चाहते हैं तो मार्क कर लीजिए, बट जरूरत नहीं है उसकी, इसलिए हमने मार्क नहीं करी। वो तो नॉर्मल रिएक्शन जो दे रहा है वो तो सर एक एंगल में है, तो सर उसका भी तो कंपोनेंट होगा ना सर अलोंग द इंक्लाइन। नॉर्मल रिएक्शन को एंगल पे क्यों होगा? नॉर्मल रिएक्शन तो हमेशा परपेंडिकुलर टू सरफेस होता है, तुम अपने आप को टेढ़े कर दो, 90 डिग्री में है, तुम अपने सरफेस को, जैसे मैं अगर टेढ़ा खड़ा हो जाऊं ऐसे खड़े हो तो बेंच क्या मुझे टेढ़ा नॉर्मल रिएक्शन देना पड़ेगा? बेंच का सरफेस तो फिक्स है ना, बेंच का सरफेस फिक्स है या नहीं है? बेंच का सरफेस क्या डिफॉर्म है, मतलब ये जो इंक्लाइन प्लेन है उसका सरफेस क्या डिफॉर्म है? अरे तुम तो सवाल का जवाब नहीं दोगे, कैसे तुम्हें तुम्हारे क्वेरीज का आंसर करूंगा सर? सर आवाज नहीं जा रहा है। नहीं जा रहा है, मैं कह रहा हूं कि अगर तुम्हारा बेंच का सरफेस फिक्स्ड है, हार्ड है या डिफॉर्म नहीं हो सकता, तो तुम यहाँ पे सॉफ्ट सरफेस को रखो क्या फर्क पड़ता है,
उसका सरफेस टेढ़ा मतलब जो डिफॉर्म होगा वो तो इस सरफेस के अकॉर्डिंग ही डिफॉर्म होगा ना. हाँ सर. हाँ सर. तो फिर नॉर्मल रिएक्शन आप दिखाना चाहते हैं दिखाइए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है. मुझे काम ही नहीं है उसका तो क्या करूंगा मैं दिखा के उसका. दिखाइए आप आराम से. ये ना नॉर्मल रिएक्शन परपेंडिकुलर टू सरफेस दिखा दिया. दैट इज का यूसेज क्या हुआ मेरे लिए. जो फोर्सेस का जरूरत नहीं है उसको डायग्राम में दिखा के इतना फायदा क्या है. दिखाओ. दिखाओ सारे. दिखाओ यहां से नॉर्मल रिएक्शन आएगा, यहां से नॉर्मल रिएक्शन आएगा. ठीक है और कहीं से दिखाओ. ठीक है ठीक है ठीक है. ठीक है चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. अ साइड व्यू ऑफ अ सिंपलीफाइड फॉर्म ऑफ अ वर्टिकल लैच बी इज शोन. लैच इज बेसिकली जस्ट अ स्लाइडेबल सरफेस, मतलब एक ग्रूव बना रखा है और उस ग्रूव में आप एक ऑब्जेक्ट को बेसिकली स्लाइड कर सकते हैं. द लोअर मेंबर ए कैन बी पुश्ड फॉरवर्ड इन द हॉरिजॉन्टल चैनल. चैनल मतलब जो ग्रूव बना रखा है उसी को कह रहे हैं. The sides of the channel are smooth, but at the interface of A and B, which are at 45 degree with the horizontal, there exists a static coefficient of friction 0.4. What is the minimum force F that must be applied horizontally to A to start motion of the latch B if it has a mass of 0.6 kg? Question clear है? क्वेश्चन क्लियर है? अरे क्वेश्चन क्लियर है या नहीं बेटा, रिस्पॉन्ड तो क्या करोगे अबे, कैसे पढ़ाई करेंगे? ऊपर में एक ब्लॉक है जो लटका हुआ है, नीचे से आप एक ब्लॉक को उसको पिश करके होल्ड कर रखा है आपने. आप चाहते हो कि ऊपर वाला जो लटका हुआ ब्लॉक है वो ऊपर मूव करना स्टार्ट करे, तो इधर से आप कम से कम कितना फोर्स लगाना पड़ेगा ये पूछा गया है. ये एक सिंगल ब्लॉक है, ठीक है. ये बी के बीच में आपको एक ट्रायंगल दिख रहा है, वो ट्रायंगुलर ब्लॉक कुछ भी नहीं है, ठीक है. ये इसमें थोड़ा सा मिसलीडिंग लग रहा है डायग्राम. ठीक है, ये एक सिंगल ब्लॉक है जो बी दिखा रखा है, वो एक सिंगल ब्लॉक है. अब इसकी करते हैं, इसमें अगर फोर्सेस अगर हम दिखाएं कि क्या क्या फोर्सेस में एड कर रहे हैं, तो इसका खुद का वेट होगा डेफिनेटली. अब पहले बी का ही कर लेते हैं, पहले बी की बात कर लेते हैं. बी को ही मूव कराना, बी की बात कर लेते हैं. उसका खुद का एक वेट होगा, यहाँ पे कर देते हैं इसको, थोड़ा डायग्राम साफ सुथरा दिखेगा. ये 45 डिग्री है, ये गिवन था. इसकी खुद की वेट होगी एक mg. M आपका 0.6 है, ये गिवन है. फिर इधर से एक नॉर्मल रिएक्शन मिलेगा, A से इसको एक नॉर्मल रिएक्शन मिलेगा, एंड A के रिलेटिव B जो है वो ऊपर की तरफ स्लाइड कर रहा है, तो उसके ऊपर फ्रिक्शन जो होगा वो नीचे की तरफ लगेगा. सॉरी, A को देखो, हम जब पुश करेंगे पहले तो A का टेंडेंसी ऑफ मोशन कौन क्रिएट कर रहा है? A क्रिएट कर रहा है ना. टेंडेंसी ऑफ मोशन कौन क्रिएट कर रहा है, ए या बी? चैनल फोर्स ऑन ए. ए क्रिएट कर रहा है ना, क्योंकि ए को हम पुश करके बेसिकली बी को ऊपर पुश कर रहे हैं, तो टेंडेंसी ऑफ मोशन बेसिकली आपका ए क्रिएट कर रहा है. तो बी के रिलेटिव ए जो है वो अगर आगे जाने की कोशिश करेगा तो उस पे जो फ्रिक्शन लगेगी वो किस तरफ लगेगी? पीछे की तरफ लगेगी. आ रही बात समझ में आपको? यस सर. ठीक है, तो इस पे जब हम फ्रिक्शन दिखाएंगे तो ये फ्रिक्शन इस पे ए के ऊपर हम पीछे दिखाएंगे, और वही फ्रिक्शन हम बी पे जब दिखाएंगे तो वो इस तरफ दिखाएंगे एक्शन रिएक्शन की तरह. तो यही वाली फ्रिक्शन मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, ये आपका इधर की तरफ लगेगा. दिस इज फ्रिक्शन. ये ऑब्वियसली सिंस ये मिनिमम पुशिंग फोर्स का पूछा उन्होंने, तो फ्रिक्शन का जो नेचर होगा वो आपका लिमिटिंग होगा. लिमिटिंग मतलब म्यू टाइम्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन हम लिख सकते हैं इसको. सो दिस विल बी म्यू टाइम्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन. सो म्यू भी शायद दिया हुआ था, 0.4 है. तो ये 0.4 टाइम्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन आ जाएगा. ये नॉर्मल रिएक्शन ऑब्वियसली इधर से भी कुछ नॉर्मल रिएक्शन ऑफर करेगा, जो दो साइड के लैचेस मतलब जो वॉल है
उनसे भी कुछ रिएक्शन फोर्स आएगा एन वन एन टू, बट मुझे इससे मतलब नहीं है क्योंकि इसका मोशन जो होगा वो वर्टिकल होगा एंड जब जस्ट अबाउट टू पुश अप होगा, जस्ट अबाउट टू पुश अप, तो उस केस में आप डेफिनेटली कह सकते हैं कि नेट फोर्स इज जस्ट बैलेंस्ड होगा क्योंकि हमें एक्सेलरेट करके ले जाने वाला केस नहीं कंसिडर करना है, जस्ट मूव अप वाला केस कंसिडर करना है। तो इधर से अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये वाली एंगल आपकी 45 डिग्री है, ये वाली एंगल भी 45 डिग्री है, तो इस तरफ के फोर्सेस के कॉम्पोनेंट अगर लेंगे तो ऊपर की तरफ आपका आएगा एन बाई रूट टू और फ्रिक्शन का जो कॉम्पोनेंट आएगा ये भी आपका एफ बाई रूट टू आ जाएगा। ठीक है, तो वर्टिकल डायरेक्शन में बैलेंसिंग करें तो आप लिख सकते हैं mg plus f by root 2 that should be equal to n by root 2, मतलब सिंपल टर्म्स में बोले तो n माइनस ऑफ f की वैल्यू root 2 टाइम्स ऑफ mg आ रही है। क्लियर है? क्लियर है? यस सर। हां सर। ठीक है, n1 n2 के साथ भी रिलेट करना चाहते हैं तो आप बेसिकली वहां पे नॉर्मल रिएक्शन का कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और फ्रिक्शन का कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ब्रेक करके काम कर सकते थे, बट मुझे उससे मतलब नहीं है क्योंकि उनकी जरूरत ही नहीं है मुझे, तो मैं उनको नहीं लिख रहा हूँ। अब मैं ए पे चला जाता हूँ। ठीक है, ब्लॉक ए के लिए लिखते हैं, ब्लॉक ए का सरफेस भी इंक्लाइंड है एक तरफ। हेलो सर। हां बोलिए बेटा। सो योर वॉइस इज क्रैकिंग। माय वॉइस इज क्रैकिंग for everybody, sometimes it just stops and comes back. Sir, yeah, sir, beech mein ruk ja raha hai. Okay, is it unmanageable? Nahi sir, manageable hai. manageable. Okay, agar unmanageable hoga to batana, jahan pe bhi dikkat aayegi batana mujhe. Theek hai, we'll take care of it. Theek hai, okay sir. Okay, this is A now. Yes sir. एंड यहां से हमने पुशिंग फोर्स एक दिखा रखा है एफ का एंड यहाँ पे फ्रिक्शन है, यहां से एक नॉर्मल रिएक्शन है, इसका खुद का एक वेट होगा कुछ एक एम जी, मतलब इसकी इसकी मास से मतलब नहीं है मुझे, मास ऑफ ए इंटू जी लिख देते हैं, इससे कोई मतलब नहीं। यहाँ से रिएक्शन कुछ ग्राउंड ऑफर करेगा, यहाँ का कुछ वॉल भी ऑफर करेगा, एन डब्ल्यू लिख सकते हैं आप, बट इसके लिए वर्टिकल डायरेक्शन का फोर्सेस से मुझे कोई मतलब नहीं क्योंकि ये तो हॉरिजॉन्टली मूव करेगा एंड इसके लिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर आप फोर्सेस देखोगे कितनी आ रही है तो ये एंगल 45 डिग्री है, ये 90 है, ये वापस से 45 डिग्री है, तो इस तरफ की जो कंपोनेंट आएगी दैट विल बी एफ बाई रूट टू एंड नॉर्मल डायरेक्शन का भी जो कॉम्पोनेंट आएगा दैट विल बी एन बाई रूट टू, दोनों का डायरेक्शन लेफ्ट की तरफ ही है। ये ठीक है, तो अब इक्वेशन लिखोगे तो क्या लिखोगे आप, एफ शुड बी इक्वल टू एन बाई रूट टू प्लस एफ बाई रूट टू, दिख रही है आपको? सो एफ शुड बी वन बाई रूट टू टाइम्स ऑफ एन प्लस एफ। क्लियर है? हाँ सर। ठीक है, एंड एफ की वैल्यू आपको पता है म्यू टाइम्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन है, तो फर्स्ट इक्वेशन जो हमने यूज किया था उसी को एक बार फिर से यूज कर लेते हैं, तो नॉर्मल रिएक्शन माइनस ऑफ 0.4 टाइम्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन दैट शुड बी रूट टू टाइम्स ऑफ एम जी एंड देयरफॉर नॉर्मल रिएक्शन बिकम्स रूट टू एम जी डिवाइडेड बाई 0.6। तो यहां से इसको वापस से ले सकते हैं, दिस इज 1 बाई रूट टू एंड इन टू एन प्लस एफ चाहिए अपने को, तो एन एफ तो 0.4 था तो ये 1.4 टाइम्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन निकाल चुके हैं उसको यूज करते हैं, तो दिस इज 1 बाय रूट 2 इनटू 1.4 इनटू नॉर्मल रिएक्शन व्हिच इज रूट 2 टाइम्स ऑफ mg डिवाइडेड बाय 0.6, रूट 2 गेट्स कैंसिलड आउट, सॉरी डेसिमल हटा देते हैं यहां से एंड m का भी वैल्यू 0.6 था शायद, इसको बेकार काटा। ठीक है, ठीक है, 14 इनटू 0.6 इनटू 10 एंड डिवाइडेड बाई 6 आ जाएगा, ये डेसिमल हटा देते हैं यहाँ से, ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा एंड ये एग्जैक्टली 14 न्यूटन आ रही है, तो 14 न्यूटन इज द आंसर। देखो समझ आई है क्या आपको? यस सर। क्लियर है सभी को? क्लियर है सभी को? यस सर। ठीक है, ये सब चीजें जब आप अपने हाथ से करोगे ना तो आपको थोड़ा ज्यादा क्लियर होगा, जब मैं क्लास ओवर कर दूंगा तो फिर आप अपने हाथ से ट्राई करना इन सब चीजों को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं।
find the minimum normal force to be applied by each hand to hold three identical books in vertical position. Each book has a mass M and value of coefficient of friction between the books as well as hands, and the book is 0.5, is mu. Mu दे रखा है और तीन ब्लॉक को इक्विलिब्रियम में होल्ड करने के लिए आपको कम से कम कितना पुशिंग फोर्स चाहिए ये उसने पूछा है, क्योंकि पुशिंग फोर्स ही बेसिकली नॉर्मल रिएक्शन क्रिएट करेगा और फिर नॉर्मल रिएक्शन आने से फिर बेसिकली फ्रिक्शन जनरेट होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, जैसे एक चीज सोच के देखो, जैसे हम क्या करते हैं, जैसे अगर कोई भी चीज हमें पकड़ना है तो पकड़ने के लिए आपका हाथ और बॉटल का सरफेस ये तो फिक्स्ड है, आपका हाथ भी चेंज नहीं हो रहा, बॉटल भी चेंज नहीं हो रहा, बट उसको होल्ड करने के लिए आपको कम से कम एक पुशिंग फोर्स नहीं लगाना पड़ता, लगाना पड़ता है नहीं, इसको दबाते हैं ना, दबा के तो होल्ड करते हैं, करते हैं नहीं करते सर, राइट? अगर मैं सिर्फ इसको टच करके रखूं तब थोड़ी ना इसको पकड़ पाऊंगा, तो स्लाइड कर जाएगा, राइट, है ना, करेगा नहीं करेगा। तो उस केस में मेरा हाथ का सरफेस और ये सरफेस तो फिक्स्ड ही है, उसको तो चेंज नहीं हो रहा, बट उससे इतनी नॉर्मल रिएक्शन जनरेट नहीं हो रही है ताकि ये उसको होल्ड करके रख पाए, सो नॉर्मल रिएक्शन कम जनरेट हो रही है उससे, इसीलिए कम से कम एक सर्टेन, जैसे आप एक कम से कम आपको एक मैंने पुशिंग फोर्स चाहिए जिसके लिए होल्ड करोगे, अगर उससे ज्यादा रिएक्शन से भी होल्ड करोगे तो भी पकड़ पाओगे, तो अगर ज्यादा रिएक्शन से होल्ड करोगे तो फिर क्या होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन एक्ट करेगा, अनलिमिटिंग पहुंचा भी नहीं होगा, बट जब मिनिमम पूछते हैं तो फिर डेफिनेटली वहां पे क्या है, लिमिटिंग फ्रिक्शन एक्ट करेगा, समझ आ रही है, आइए नहीं है, हाँ सर, ठीक है, तो यहाँ पे वो उसी कंसेप्ट पे बेस्ड है यहाँ पे, तो आपको क्या करना है, बुक्स को अलग करके देखने की जरूरत ही नहीं है, आपका जो तीन ब्लॉक है उन तीनों ब्लॉक को एक साथ कंबाइन करके सोचो, मतलब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, तीनों बुक्स को एक साथ ही करके सोच रहा हूँ, क्योंकि स्लिपिंग तो हो नहीं रही है, और स्लिपिंग नहीं हो रही तो मैं कंबाइंड ब्लॉक की सिस्टम की तरह तो देख ही सकता हूँ, ये भी मास एम का है, ये भी मास एम का है, ये भी मास एम का है, तो इधर से पुशिंग फोर्स अगर एफ का लगाया तो इधर से भी पुशिंग फोर्स हम एफ का लगाएंगे, ये दोनों तरफ से एफ क्यों लगाया, एफ वन एफ टू क्यों नहीं लगाया, क्योंकि इक्विलिब्रियम में होल्ड करना है ना, है नहीं है, ठंडा हो जाएगा, राइट, अगर किसी एक तरफ से अगर ज्यादा लगाओगे तो उस तरफ से क्या होगा, अनबैलेंस फोर्स क्या करेगा, उसको एक्सेलरेट करा देगा, समझ आ रही है, यस हां सर, और इस पूरे कंबाइंड मास सिस्टम के लिए जो टोटल वेट है वो आपका 3mg दिखा दिया, यहां से एक फ्रिक्शन जनरेट होगी और यहां से भी एक फ्रिक्शन जनरेट होगी, तो ये बेसिकली आपका सिचुएशन है, तो अब कंडीशन क्या लिखोगे आप, ट्वाइस ऑफ फ्रिक्शन शुड बी इक्वल टू 3mg, ये पहली कंडीशन है, एंड आपको ये भी पता है कि ये फ्रिक्शन जो है वो लिमिटिंग वैल्यू अटेन कर चुका होगा फॉर इक्विलिब्रियम, मतलब फॉर जस्ट इक्विलिब्रियम, या रादर फॉर लिमिटिंग इक्विलिब्रियम कह सकते हैं आप, फॉर लिमिटिंग इक्विलिब्रियम, लिमिटिंग इक्विलिब्रियम के लिए जो एफ होना चाहिए वो आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन होना चाहिए, और इसको म्यू टाइम्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन लिखेंगे, और नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे कितनी आपकी एफ है, दैट्स इट, तो इसका मतलब है इसको इक्वेट कर देंगे, तो यहाँ पे टू टाइम्स ऑफ यहाँ पे लिखेंगे म्यू एफ, एंड दैट शुड बी इक्वल टू 3mg, तो यहां से आपको f की वैल्यू मिल गई है, सॉरी f की वैल्यू मिल जा रही है 3mg डिवाइडेड बाय 2 म्यू, दैट इज द आंसर, ठीक है, ठीक है, यस सर, ठीक है सर। एक और अच्छी चीज देखो आप यहाँ पे, जैसे एक बार आप आंसर करो इसको, जैसे मान लो यहाँ पे दो वर्टिकल वॉल है, ठीक है, दीज आर टू वर्टिकल वॉल्स, और यहाँ पे मान लो आप एक गड्ढा है, ठीक है, एंड आपको किसी ने क्या कर रखा है, यहाँ पे इस गड्ढे के बीच में फंसा दिया है, तो आप क्या करते हो, आप यहाँ पे अपनी बॉडी को बेसिकली फिक्स करके किसी तरह से आप अपने आप को बचा रहे हो, ठीक है, अब एक चीज मुझे आप सोच के बताओ कि आप फुट से ज्यादा रिएक्शन दे रहे हो या फिर अपने बैक से ज्यादा रिएक्शन दे रहे हो, मतलब कहां से ज्यादा रिएक्शन दोगे आप, मतलब जैसे अपने आप को अपने इस दो सर, बैक से फुट से ज्यादा नहीं दे पाएंगे, नहीं सर, क्यों? सर, गिर जाएंगे सर, गिरेंगे क्यों, आप जस्टिफाई करिए गिरेंगे क्यों सर, अगर हमने फुट में सरफेस ऑफ एरिया कॉन्टेक्ट बहुत कम है ना सर, तो सरफेस एरिया ऑफ कांटेक्ट से मतलब होता है फ्रिक्शन को, नहीं सर ऐसा नहीं है, कहां पढ़ा आपने फ्रिक्शन को सरफेस एरिया ऑफ कांटेक्ट से मतलब है, कहां पढ़ा सर, वो नहीं सर, बताओ कहां पढ़ा आपने, मैंने तो नहीं पढ़ा आपको ये चीजें, तो आपने कहीं तो पढ़ा होगा, बताइए कहां पढ़ा आपने, सर मतलब मोर मतलब सर बैक में सर मोर फ्रिक्शन अप्लाई होगा सर, कैसे कुछ समझाओगे तब, तो अब अगर उसने स्पाइक्स पहना है फुटबॉल वाला तो कैसे होगा,
सर आपने ऐसा तो कुछ नहीं बोला ना सर। नहीं तुमने तो बोला ना, अरे तुम तो कुछ अज्यूम करके ही तो बोल रहे हो, कैसे बता रहे हो तुम बताओ। कुछ रीजन, तुम कुछ रीजन तो बताओगे। मतलब सर बैक का सर वाइडर एरिया है, एरिया ना चलेगा। अभी मैंने यहाँ पे एक चीज बोली थी याद है कि दोनों तरफ से नॉर्मल रिएक्शन सेम क्यों जनरेट होना चाहिए बुक के लिए? इक्विलिब्रियम पे, इक्विलिब्रियम के लिए, क्योंकि अगर जिस तरफ से भी ज्यादा फोर्स जनरेट होगा वो उसको एक्सेलरेट करा देगा इधर। क्या यहाँ पे हम एक्सेलरेट कर रहे हैं? नो सर। नो क्या हम यहाँ पे एक्सेलरेट कर रहे हैं? आप ये सोच के देखो। नो सर। नहीं सर्टेनली नॉट। तो इधर से अगर नॉर्मल रिएक्शन आप दिखा रहे हो एन वन है, इधर से नॉर्मल रिएक्शन आपने एन वन दिखाया, तो इधर से जो नॉर्मल रिएक्शन जनरेट होगी वो N2 अगर दिखा रहे हो तो सर्टेन है N2 और इक्वल टू N1 होगा ही। दिस इज मैंडेटरी एंड नॉट ऑप्शनल। समझ आ रही है आपको? यस सर। ठीक है, तुम खुद ही सोच के देखो ना। जैसे अपने आप को तुम सोचो, कैसे समझाओ मैं अपने आप को, दो वॉल के बीच में कभी फिक्स नहीं किया आपने ऐसे नैरो जगह में, तो कैसे समझ आएगा आपको? पहले भी जब किया है ना ऐसा काम कि दो वॉल के बीच ऐसा किया है सर, एक्चुअली के साथ सर, तो क्या होता है सर बैक में से ज्यादा किया सर? ऐसा कभी नहीं होता, ऐसा कभी नहीं होता। नहीं तो फिर अगर ज्यादा होता तो आप एक्सेलरेट कर जाते। तुम ऐसे कर सकते हो ना, तुम ऐसे भी कर सकते हो। देखो जैसे सीढ़ी वीढ़ी में भी तुम कर सकते हो, जैसे सीढ़ी का जो रेलिंग होता है और दूसरे तरफ वॉल होता है नहीं, सीढ़ी का रेलिंग एंड वॉल होता है, तो वॉल पे अपने आप को लीन करो बैक को और रेलिंग पे पैर लगाओ, तो भी तो ये सेम सिचुएशन क्रिएट हो जाएगा, होगा नहीं होगा? हाँ सर होगा। तो अब तुम रेलिंग को अपने पैर से जोर से पुश करके कोशिश करना और देखना कि बैक में ज्यादा फोर्स जनरेट होता है या नहीं होता, बस ये चेक कर लेना। होता है सर, होता है, ये 100% होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है नहीं हो। तुमको अगर ये रिएक्शन सोचो, पैर में ज्यादा रिएक्शन मिल रहा है तो बैक जाएगा ही तो पीछे की तरफ, और बैक अगर पीछे जाएगा तो वॉल से टकराएगा तो फिर उसके इसमें क्या हुआ, वॉल उसको रिएक्शन फोर्स ज्यादा देगा, दैट्स इट। तो दोनों का रिएक्शन हमेशा सेम होना पड़ेगा। अगर एक को ज्यादा दिखाएंगे दूसरे को कम दिखाएंगे, इसका मतलब आपका सिस्टम एक्सेलरेट कर रहा है। डू यू अंडरस्टैंड दैट? यस। ठीक है, इसीलिए अब अगर दोनों तरफ का नॉर्मल रिएक्शन सेम है तो यहाँ पे फ्रिक्शन जो जनरेट होगी, हाँ डिफरेंट मतलब डिफरेंट कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हो सकती है, क्योंकि जो हमारे पीठ की तरफ का सरफेस है या कपड़े हैं वहां का जो फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है और जो हमारे शू में जो फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है, वो दोनों डिफरेंट हो सकते हैं ना? हाँ सर वो तो हो सकते हैं, राइट। तो इसीलिए फ्रिक्शन जो है सेम होना, क्या ये मैंडेटरी कंडीशन है? नहीं सर। सो F1 मे और मे नॉट बी इक्वल टू F2, मे और मे नॉट बी, अच्छा इसको नीचे लिख देता हूँ क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन के बाद हम डिस्कशन कर रहे हैं। क्योंकि ये वाला जो सर है म्यू सेम नहीं होगा, इसीलिए होगा क्या? फिर से बोलिए सर। F1 नॉट इक्वल्स टू F2, ये क्या म्यू नहीं होने से इक्वल नहीं होने से होगा? म्यू नहीं होने से एक रीजन तो आपको इमीडिएटली वो समझ में आ ही रहा है, दूसरा एक और रीजन भी है जो अभी फिलहाल के लिए आप नहीं समझोगे, और वो ये है कि जैसे आपका दो चीजें होती है, एक है ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम होती है और एक है रोटेशनल इक्विलिब्रियम भी होती है। तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम भी यू नो मतलब एक ऑप्शन है कि मतलब रोटेशनल इक्विलिब्रियम में भी आपका सिस्टम रहना चाहिए, तो उसके लिए टॉर्क बैलेंसिंग करना पड़ता है। तो टॉर्क तो अभी आपने पढ़ा नहीं है, तो वो फिलहाल के लिए भी आप नहीं समझ पाओगे। ठीक है, मुझे दो दो आवाज एक साथ आ रही है दो लोगों की, इसलिए मैं आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा हूँ। सौमदी पहले आप बोल लीजिए, फिर दूसरे किसी का आवाज मैं आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा। ट्रांसलेशनल के लिए कि ये म्यू का ही रीजन होगा, तो नहीं देखो वैल्यूज जब आप बता रहे हो तो ट्रांसलेशन एंड रोटेशन इक्विलिब्रियम दोनों देख के ही आपको बताना पड़ता है, दोनों देख के ही बताना पड़ता है, ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ एक को देख के बता सकते हैं, दोनों को देख के बताना पड़ता है। हाँ अब दूसरे कोई भी कुछ बोल रहे थे बेटा, एक बार आइडेंटिफाई करेंगे कौन है बेटा? दूसरे किसी की भी आवाज आई थी, एक बार प्लीज आइडेंटिफाई करिए। सर बोल रहे थे कि अगर मतलब रोटेशन इक्विलिब्रियम नहीं होगा तो हम लोग ऐसे घूम के गिर जाएंगे। हाँ मतलब घूम के मतलब बेसिकली टॉपल कर जाओगे, तुम वर्टिकली नहीं गिरोगे। जैसे ऐसा हो सकता है ना, तुम ऐसे सोचो कि तुम अपने पैर से दबा रहे हो और सोचो एक साइड का सरफेस फ्रिक्शन अगर कम जनरेट हुआ कंपेयर टू रिक्वायरमेंट, तो तुम्हारा या तो पैर पहले गिर जाएगा या तो पीछे से पहले गिर जाओगे, और अगर पीछे से पहले गिरोगे तो पलटी खा के नहीं गिरोगे क्या?
अच्छा अच्छा समझे समझे मतलब समझ रही है, तो वो टर्निंग इफेक्ट हो जाता है उसमें, एक टर्निंग इफेक्ट आ जाता है। समझा सर, मतलब समरसॉल्ट जैसे। हाँ समरसॉल्ट तो हाँ समरसॉल्ट कह सकते हैं, बैकवर्ड की है, बैक फ्लिप की है, ठीक है। समरसॉल्ट तो पीछे ही होता है ना, समरसॉल्ट तो पीछे ही होता है ना या आगे होता है? समरसॉल्ट तो पीछे ही होता है, ठीक है। चलो अभी आगे बढ़ते हैं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फिगर शोज अ स्मॉल ब्लॉक ऑफ मास m एट द लेफ्ट एंड ऑफ अ लार्जर ब्लॉक ऑफ मास कैपिटल m एंड लेंथ l। द सिस्टम कैन स्लाइड ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस। द सिस्टम इज स्टार्टेड टुवर्ड्स राइट विद एन इनिशियल वेलोसिटी v। सिस्टम इज स्टार्टेड, देखो ध्यान रखो सिस्टम है, किसी एक को नहीं, सिस्टम दो, ये सब चीजें ध्यान रखो कि क्या दिया हुआ है। सिस्टम इज कैन स्लाइड व्हेन सिस्टम इज स्टार्टेड विद अ वेलोसिटी टुवर्ड्स राइट। इसका मतलब इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी जीरो है ना, कह सकते हैं आप? हां सर, यू रिलेटिव के लिए ये जीरो है, ठीक है, इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी नहीं है। द फ्रिक्शन कोएफिशिएंट बिटवीन द फ्लोर एंड द बिगर ब्लॉक इज म्यू। ओके, यहां पे म्यू दे रखा है, and that between block and blocks is mu by 2, yahan pe mu by 2 de rakha hai, theek hai। find the time elapsed before the smaller block separates from the bigger block, matlab dono ke beech mein separation kab hogi ye aapko find out karni hai। to isme to aap koi confusion hi nahi hai ki kahan pe sliding ho rahi hai kahan pe sliding nahi ho rahi hai, har jagah pe sliding ho rahi hai, niche mein bhi sliding ho rahi hai upar mein bhi sliding ho rahi hai। niche mein sliding ho rahi hai kaise pata chal raha hai, kyunki aapne pura ka pura surface pe ek rough surface pe phenk diya hai velocity dekhe, और वेलोसिटी दिया है मतलब कि ग्राउंड सरफेस के रिस्पेक्ट में जो प्लैंक के जैसा जो दिख रहा है वो प्लैंक बेसिकली क्या कर रहा है, स्लाइड तो कर रहा है ना, है ना? हाँ सर, राइट। तो डेफिनेट है वहां पे फ्रिक्शन जनरेट होगा, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ फ्रिक्शन जनरेट हो जाएगी, तो मैं इस फ्रिक्शन को F1 कह लेता हूँ, ठीक है। और ये फ्रिक्शन श्योर है, ये म्यू टाइम्स मतलब म्यू टाइम्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन यहाँ का होगा, मतलब यहाँ से जो नॉर्मल रिएक्शन जनरेट होगी मैं उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब अगर आप देखोगे तो मतलब इमीडिएटली देखो जो कैपिटल एम वाला ब्लॉक है वो इमीडिएटली डिसेलरेट करेगा, इमीडिएटली डिसेलरेट करेगा मतलब कि स्मॉल एम के रेस्पेक्ट में, स्मॉल एम के रेस्पेक्ट में जो कैपिटल एम है वो पीछे जाने की कोशिश कर रहा है ना, ये पता चल रहा है आपको? हाँ सर, कोशिश कर रहा है क्योंकि उसके ऊपर डिसेलरेटिंग फोर्स आ गई तो वो इमीडिएटली स्लो डाउन होने का कोशिश करेगा विथ रेस्पेक्ट टू आपका एम, तो इसीलिए आपका पीछे की तरफ उसके मतलब वो स्लो डाउन कर रहा है, ये पता चल रहा है। तो उसके ऊपर मतलब कैपिटल एम के लिए फ्रिक्शन जब हम दिखाएंगे ऊपर के सरफेस पे तो किधर दिखाना पड़ेगा मुझे, आगे की तरफ दिखाना पड़ेगा, समझ आ रही है आपको? समझ आई? और एक बार बोलिए। इधर और एक बार बोलिए। बोल रहा हूँ सर, कट गया था, और एक बार बोलिए। बोल रहा हूँ बेटा, एक और एक बार बोल रहा हूँ, ठीक है। देखो पहले तो फ्रिक्शन का डायरेक्शन आपको डिसाइड करने का है कि किस तरफ फ्रिक्शन लग रही है, ठीक है। आप ये सोचो एक चीज है कि दोनों के बीच में हम सेपरेशन की बात कर रहे हैं, तो इतना तो पक्का है ना कि ये ऐसे मूव करेंगे एक दूसरे के रिलेटेड, करेंगे नहीं करेंगे? हाँ सर। इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है? नहीं सर। राइट, तो अब ये सोच के देखो एक किसी एक के रिलेटेड दूसरे को देख लो, तुमको तुरंत पता चल जाएगा कि फ्रिक्शन किधर लगना है। जैसे अगर ये इधर जा रहे हैं ऐसे, तो मैं अगर इसके रिस्पेक्ट में देखूं तो फ्रिक्शन ये ऐसे जा रहा है, राइट, है ना? हाँ सर। तो इस पे फ्रिक्शन किधर लगे, बैकवर्ड लगे या नहीं? बैकवर्ड। हाँ सर, समझ गया समझ गया, ठीक है। अब सेम चीज अगर इसके रिस्पेक्ट में देखोगे तो ये इधर जा रहा है, राइट? हाँ सर। तो इस पे फ्रिक्शन किधर लगना चाहिए, इधर लगना चाहिए। समझ आ रही है? फ्रिक्शन तो हमेशा रिलेटिव मोशन को अपोज करता है ना, तो किसी एक पे अपने आप को फिक्स करके अगर दूसरे को देखोगे तो तुरंत से समझ आ जाएगा। तो यही चीज मैंने यहाँ पे दिखा रखा है, और यही एक्शन रिएक्शन की तरह यहाँ पे आप दिखा सकते हैं कि ये फ्रिक्शन आपकी F2 आपकी इधर लग रही होगी, ये F2 जो होगा वो म्यू टाइम्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन यहाँ का होगा मतलब ऊपर वाली सरफेस का। अच्छा एक काम करते हैं, इसको N2 लिख देते हैं और ये N1 लिख देते हैं, ठीक है। अब N1 N2 कितना है? N2 तो पक्का है स्मॉल mg है या नहीं है? N2 कितना है? स्मॉल mg। आप देखो यहाँ पे आपको समझ आ जाएगा, ये ब्लॉक मास एम का है, इस पे फ्रिक्शन F2 लग रही है न्यू टाइम्स ऑफ N2, और यहाँ पे ही आपका N2 है और ये आपका mg है, तो ऑब्वियसली ये पीछे एक्सेलरेट करेगा। अच्छा ये म्यू बाई टू है, सॉरी ये म्यू बाई टू है, ठीक है। तो ये एक्सेलरेशन आपकी
पीछे की तरफ आएगी, इसको ए टू कह लेते हैं। तो ए टू की वैल्यू हम लिख सकते हैं ए टू विल बी एफ टू डिवाइडेड बाय एम विच इज म्यू बाय टू एन टू जी। समझ आ रही है, क्योंकि एन टू की वैल्यू कितनी है, एम जी के इक्वल है ना, है ना। हाँ ठीक है, ये पहली कंडीशन हो गई हमारे लिए। अब यही चीज हम बड़े वाले ब्लॉक के लिए करेंगे, ठीक है, जिसको प्लैंक की तरह जिसको हम देख रहे हैं, ये बड़े वाले ब्लॉक है, ये कैपलेम है। तो इसका खुद का वेट होगा कैपलेम जी, फिर यहां से एक नॉर्मल रिएक्शन जनरेट हो रही है जिसको हमने एन टू कहा था, और इसके लिए फ्रिक्शन आपकी राइट की तरफ लग रही थी ये एफ टू, और यहाँ पे फ्रिक्शन लग रही थी एफ वन, और यहाँ पे एक नॉर्मल रिएक्शन जनरेट हो रही थी एन वन, और अब ये एक्सेलरेट कर रहा है आपकी राइट की तरफ, हम मान रहे हैं किधर भी कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता है, रिलेटिव एक दूसरे के रिलेटिव मैटर करता है हमारे। तो ये एक्सेलरेशन हो गया हमारे लिए, ए वन आ जाएगी। ये एक्चुअली क्या होगा, बेसिकली तुम इस उल्टा भी मानोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक बार देख लो कि F1 F2 में से कौन बड़ा है, कौन बड़ा है F1 F2 में से, F1 F2 में से कौन बड़ा है, पहले N1 की वैल्यू निकाल लो। N1 कितना दिख रहा है आपको, कैपिटल MG प्लस नॉर्मल रिएक्शन N2, तो ये हो गई कैपिटल M प्लस स्मॉल M into G, हुई या नहीं हुई? हाँ सर हुई। तो F1 की वैल्यू कितनी होगी, म्यू टाइम्स ऑफ N1, मतलब ये म्यू टाइम्स ऑफ कैपिटल M प्लस स्मॉल m into g, यही आ रहा है ना, राइट सर? यस। तो अभी अगर इसकी एक्सेलरेशन निकालनी है तो f1 f2 को आप कंपेयर करोगे, f2 है mu by 2 into mg small mg, तो f1 तो डेफिनेटली आपका बड़ा हो गया, और f1 अगर बड़ा है तो इसकी एक्सेलरेशन भी तो आपके पीछे की तरफ ही आ रही है a1, समझ आ रही है आपको? हाँ सर। ठीक है, तो एक्सेलरेशन a1 अगर लिखनी है तो कितनी आएगी आपकी, f1 minus f2 and divided by मास विच इज कैपिटल एम, तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर ले तो ये हो जाएगा आपका म्यू टाइम्स ऑफ कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू जी माइनस ऑफ एफ टू की वैल्यू वाज म्यू बाय टू इंटू स्मॉल एम इंटू जी एंड डिवाइडेड बाय कैपिटल एम करने, सो ये हो जाएगी आपके पास टू म्यू जी कॉमन कर लें तो टू एम प्लस स्मॉल एम एंड डिवाइडेड बाय टू टाइम्स ऑफ कैपिटल एम, ये वाली वैल्यू आ गई है। ठीक है, अब ये ए वन भी मिल गया आपको, ए टू भी मिल गया। अब देखो अगर मैं एक के ऊपर बैठ के दूसरे को देखो, देखो हमने ये फाइंड आउट कर लिया है कि इसका एक्सेलरेशन पीछे की तरफ कितना है ए वन, हमने ये भी फाइंड कर लिया है कि इस प्लैंक का एक्सेलरेशन पीछे की तरफ कितना है ए टू, नहीं ए वन ए टू मैंने उल्टा लिख दिया, ये ए टू है और ये ए वन है। हाँ, तो हमने A1 A2 दोनों ही फाइंड कर लिया है, पीछे की तरफ ही आई है। तो अब एक में बैठ के अगर दूसरे को देखा जाए, एक में बैठ के अब हम दूसरे को देखेंगे तो रिलेटिव एक्सेलरेशन मिल जाएगा हमें, राइट? यस सर। और रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट भी आपको पता है, पता ही नहीं पता है, क्योंकि प्लैंक के रिस्पेक्ट में ब्लॉक को कितना मूव करना है, एल। हाँ हाँ, ये अकेला एम को नहीं मूव करना है, मतलब देखो सिचुएशन तो ऐसा है ना, ये इधर स्लाइड कर रहा है और ये इधर स्लाइड कर रहा है, तो दोनों मिलके बेसिकली वो डिस्टेंस एल कवर कर रहे हैं ना, है नहीं है? अकेला स्मॉल एम ने वो डिस्टेंस कवर नहीं करना है, अकेला स्मॉल एम नहीं कर रहा वो डिस्टेंस कवर, दोनों मिलके कवर कर रहे हैं। तो इस तरह से अननेसेसरी ग्राउंड फ्रेम से कॉम्प्लिकेट करने का जरूरत नहीं है, आप बस इतना सोचो कि एक के रिलेटिव दूसरे को कितना कवर करना है, किसी एक के रिलेटिव दूसरे को देखो, तो कैपिटल एम के रिस्पेक्ट में स्मॉल एम को देखो या स्मॉल एम के रिस्पेक्ट में कैपिटल एम को देखो, बात तो एक ही आएगा कि दोनों में से किसी एक को दूसरे के रिलेटिव एल डिस्टेंस ही कवर करना पड़ेगा ना सर? हाँ सर। ठीक है, तो हम वही काम करेंगे, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट हमको पता है, इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी जीरो है, तो s इज इक्वल टू हाफ एटी स्क्वायर सिंपली लगा लेंगे, तो बस वही काम आप करने वाले हैं लोग। ठीक है, सो देयरफॉर s रिलेटिव इज इक्वल टू u रिलेटिव इनटू t एंड प्लस हाफ ऑफ a रिलेटिव इनटू t स्क्वायर। ये u रिलेटिव तो आपका जीरो है, इनिशियली दोनों को ही सेम वेलोसिटी दिया था, एंड एस रिलेटिव आपका एल है, एंड दिस विल बी हाफ ऑफ ए रिलेटिव, ए रिलेटिव आप निकालोगे तो ये ए वन माइनस ऑफ ए टू आ जाएगा, एंड देन टी स्क्वायर कर लेंगे। आपको टाइम ही निकालना था कितने टाइम के बाद वो दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, मतलब सेपरेट हो जाएंगे, तो यहाँ से टाइम आपको मिल जाएगी। सो अभी ए वन ए टू की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो ये हो जाएगी हाफ ऑफ म्यू जी इंटू टू एम प्लस एम डिवाइडेड बाई टू एम एंड माइनस ऑफ ए टू, ए टू की वैल्यू हमने निकाली है म्यू जी बाई टू है, तो म्यू जी बाई टू एंड इंटू टी स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगी आपकी हाफ ऑफ
अच्छा हाफ हाफ कॉमन कर ले तो 1/4 हो जाएगा ये, 1/4 ऑफ म्यू जी कॉमन आउट कर ले तो ये आ रही है आपके पास 1 प्लस स्मॉल m बाय 2m एंड माइनस ऑफ 1 ये आ रही है सर 2m कैसे होगा अब तो हाफ को कॉमन अच्छा अच्छा हाँ गलत किया है आपको तो कॉमन कर लिया मैंने यहाँ 2 रह जाएगा तो ये रहेगा 2 प्लस m बाय m एंड माइनस ऑफ 1 इंटू टी स्क्वायर ठीक है ना एक बार चेक कर लो So that is 1/4 of mu g into 1 plus small m by capital M into t square. What about time? Let's say. So time will be root under of 4 L into capital M divided by mu g into small m plus capital M. Your final answer is right. ठीक है क्लियर है सभी को मेन कंसेप्ट ही ध्यान रखो कि क्या यूज किया हमने जब दोनों मूव कर रही है तो फिर इस केस में बेस्ट होगा कि रिलेटिव एक्सेलरेशन फाइंड आउट करके एंड देन s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ इट इसका रिलेटिव एक्स इक्वेशन लिखेंगे ठीक है ठीक है यस ये सारे क्वेश्चंस आप अपने हाथ से खुद से करके देखेंगे याद रखिएगा ठीक है ऐसा नहीं है कि मैं मेरे करने से आप सीख जाएंगे आप अपने हाथ से करोगे तभी सीखोगे चलो अभी नेक्स्ट करते हैं Diffraction coefficient between the board and floor is shown in figure 3.203 ठीक है is mu 0.1 floor and board के बीच में दे रखा है board and floor is 0.1 मतलब यहाँ पे friction दे रखा है this is 0.1 find the maximum force in kg weight that the man can exert on the rope so that the board does not slip on the floor अब उसने already maximum force निकालने के लिए बोल दिया है इसका मतलब है कि अगर स्लिप नहीं कर रहा है तो फिर लिमिटिंग फ्रिक्शन आपने ऑलरेडी वहां पे अटेन कर लिया होगा होगा ना हाँ सर एफ लिमिटिंग विल बी अटेंड ये श्योर है ठीक है और इसलिए हम म्यूटेंस ऑफ नॉर्मल रिएक्शन फ्रिक्शन को लिख सकते हैं सो दैट द बोर्ड डज नॉट स्लिप एंड मास दे रखा है मैन का भी दे रखा है एंड बोर्ड का भी 6 kg दे रखा है ओके अगर इंसान यहाँ पे इसको सम टेंशन टी लगा के खींच रहा है तो ऑब्वियसली टेंशन उसको ऊपर खींचेगा सेम फोर्स से एक्शन रिएक्शन है एंड एक ही स्ट्रिंग इधर से रैप अराउंड होके आया है तो ऑब्वियसली यहां का भी टेंशन जो होगा वो टी हो जाएगा होगा ना क्लियर है ये बात तो क्लियर है सबको हां सर ठीक है इस पोर्शन का एक बार फीबर डायग्राम ड्रा करते हैं मैं इंसान को इसके साथ कंबाइन कर रहा हूं ठीक है मैंने प्लैंक के साथ कंबाइन करके एक साथ देख रहा हूं यहां पे टेंशन टी है इसका भी वेट मैंने दोनों को मिला के एक सिस्टम की तरह कंसिडर कर लेता हूँ ठीक है तो यहाँ पे कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू जी एड करेगा और यहाँ से एक नॉर्मल रिएक्शन आएगा एंड ये नॉर्मल रिएक्शन के अगेंस्ट यहाँ पे फ्रिक्शन जनरेट होगा एंड ये फ्रिक्शन पक्का है लिमिटिंग आ चुका होगा और यहाँ से एक टेंशन टी हो देखो सिचुएशन समझ आ रही है क्या आपको आई हैव नॉट सेपरेटेड द पर्सन विद द प्लैंक आई हैव कंसिडर्ड देम टुगेदर एज वन सिस्टम ठीक है ओके सर ठीक है अब आप वर्टिकल डायरेक्शन का इक्विलिब्रियम का कंडीशन लिखो वर्टिकल इक्विलिब्रियम के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए क्या कंडीशन होनी चाहिए इक्वल टू m प्लस m इनटू g n प्लस t इक्वल्स टू m प्लस m n प्लस t इज इक्वल टू स्मॉल m प्लस कैपिटल m इनटू g राइट यस सर ये पहली कंडीशन हो गई है तो देखो नॉर्मल रिएक्शन अगर देखोगे तो सिर्फ वेट के इक्वल नहीं है क्योंकि टेंशन भी आपका वहां जनरेट हुआ है ठीक है तो इस चीज पे बहुत केयरफुल रहने का है कि नॉर्मल रिएक्शन हमेशा वेट ही लिख देते हैं ऐसा नहीं करेंगे आपका वर्टिकल डायरेक्शन अगर कोई और फोर्स अवेलेबल है तो डेफिनेटली नॉर्मल रिएक्शन वहां पे अफेक्ट होगा अब हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम के लिए कंडीशन लिखें हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम के लिए कंडीशन लिखें हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम के लिए कंडीशन लिखें तो क्या कंडीशन लिखेंगे हॉरिजॉन्टल के लिए टेंशन शुड बी इक्वल टू फ्रिक्शन का लिमिटिंग वैल्यू राइट यस सर एंड टेंशन की वैल्यू कितनी है 0. सॉरी फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी है 0.1 टाइम्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन राइट या ठीक है अपने को निकालना है टेंशन ही तो नॉर्मल रिएक्शन को एलिमिनेट करो तो क्या हम नॉर्मल रिएक्शन को लिख सकते हैं ये 10 टाइम्स ऑफ टी है लिख सकते हैं हाँ सर हाँ है ना तो ये आपकी सेकंड इक्वेशन हो गई है इस सेकंड इक्वेशन से नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो So therefore, 10 plus 1 is 11t, and that will be small m plus capital m. Small m plus capital m is
60 plus 6, which is 66. 60 plus 6 into G. और ये 11 यहाँ पे 6 से कैंसिल आउट हो जाएगा एंड टेंशन की वैल्यू आ गई 6G, which is basically 60 न्यूटन. That is the answer. तो टेंशन आपकी 60 न्यूटन. देखो बात समझ आई क्या आपको? अरे यस सर. सिचुएशन देखने में कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है बट एक्चुअली कॉम्प्लिकेटेड है नहीं. ठीक है, सबको समझ आ गई है? हाँ तो सर, आप जब करते हैं ना तब लगता है कितना इजी है और जब हम खुद ट्राई करते हैं ना कितना डिफिकल्ट है. नहीं तो रिफ्लेक्स, अब मैंने इतना इतने दिन से रिफ्लेक्स जनरेट किया है, मैं अपने प्रिपरेशन के टाइम में मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया बहुत सारा, रिफ्लेक्स तो वैसे ही जनरेट होता है ना. अब ये तो वही बात हो गई कि हाँ मैं किसी एक अच्छे क्रिकेटर को देख के या स्पोर्ट्समैन को देख के बोलूं कि ये कितना अच्छा खेल रहा है और मैं सोचूं कि मैं जब खुद खेलने जाता हूं तो मैं इतना अच्छा क्यों नहीं खेल पाता, क्योंकि उन्होंने तो बहुत टाइम स्पेंड किया ना उसके पीछे, तभी तो अच्छा कर पाते हैं वो. आप भी करोगे तो आप भी कर लोगे. ऐसा नहीं है कि हाँ मैं कोई यू नो गॉड गिफ्टेड कोई चीज है मेरे पास कि हाँ मैं यू नो मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्लेस्ड हूँ किसी चीज के लिए, ऐसा नहीं है. इट्स ऑल बिकॉज ऑफ द टाइम दैट आई हैव इन्वेस्टेड. बहुत ज्यादा टाइम इन्वेस्ट किया है इसलिए कर पाते हैं जल्दी जल्दी. आपका भी वो रिफ्लेक्स डेवलप होगा. आप भी करो, आप कोशिश करो. आपने जितना आप सोचो, आप जब आपने स्टार्ट किया था अभी आप जिस स्टैंडर्ड पे हो, आप क्या सेम स्टैंडर्ड पे हो या फिर आपने इम्प्रूव किया है, अभी रिफ्लेक्स आपका बेटर हुआ है या नहीं, ये सोचो. आपको अपने आप ही आंसर मिल जाएगा कि आपका रिफ्लेक्स बेटर नहीं हुआ है जब आपने स्टार्ट किया था और अभी जिस स्टेज में है आप. नहीं हुआ बेटर, थोड़ा इम्प्रूव हुआ है. तो फिर थोड़ा थोड़ा ही तो करके इम्प्रूव होता है ना. ऐसा थोड़ी होता है कि अचानक से कोई चीज जादू की तरह हो जाएगा. अगर जादू की तरह हो रहा है तो डेफिनेटली आप कुछ ना कुछ गलत काम कर रहे हैं. ऐसा होता नहीं है. चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. ये भी अच्छा क्वेश्चन है, पॉपुलर क्वेश्चन ही है बट अच्छा क्वेश्चन है. अ ब्लॉक ऑफ मास m इज प्लेस्ड ऑन अ वेज ऑफ मास कैपिटल m एंड इंक्लिनेशन थीटा एज शोन इन द फिगर. ऑल सर्फेसेस आर स्मूथ एंड द वेज इज फ्री टू स्लाइड ऑन द हॉरिजॉन्टल सर्फेस. वेज भी फ्री है, वेज मूव फिक्स नहीं है यहाँ पे. ठीक है, वेज इज फ्री टू मूव. ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है ध्यान रखने के लिए. ठीक है, ये सब चीजें हमेशा अंडरलाइन करो. वेज इज फ्री टू स्लाइड. If the system is released from rest, then the normal reaction between the wedge and the block, if block or wedge ke beech ka normal reaction find karna hai. And ek aur maine apni taraf se add kiya hai ki acceleration of block and wedge kitni aayegi, ye bhi aapko find karni hai. Ab ye isme thoda sa pseudo force ka application hum karenge. Kaise karenge? Pehle ye socho. Agar ye wedge fixed hota, to block kaise slide karta uske upar? Down the incline, right? Haan sir. बट जो ब्लॉक और वेज के बीच में नॉर्मल रिएक्शन है, वो नॉर्मल रिएक्शन सोचो वेज पे अगर ऐसे पड़ेगा तो उसका एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है जो वेज को लेफ्ट की तरफ पुश करेगा. करेगा? हाँ सर, हाँ सर, धक्का देगा. ठीक है, धक्का देगा पीछे की तरफ. तो इसका मतलब ये पता चलता है आपको कि वेज जो है या रादर फ्रेम बोले जिसमें ब्लॉक रखा हुआ है, वो फ्रेम लेफ्ट की तरफ जा रहा है ना. आई यू अंडरस्टैंडिंग? ठीक है, ये पूरा का पूरा फ्रेम लेफ्ट की तरफ शिफ्ट कर रहा है और इस फ्रेम के ऊपर एक ब्लॉक है जो डाउन द इंक्लाइन स्लाइड कर रहा है. राइट? Yes, sir. Did you understand? Yes, sir. इसका मतलब अगर मुझे ब्लॉक का एक्सेलरेशन पूछे तो दो कंपोनेंट आप राधा बोल सकते हैं. एक है विथ रेस्पेक्ट टू वेज है एंड दूसरा है वेज के साथ वो लेफ्ट की तरफ जा रहा है ना. दोनों ही है उसके पास. समझ आ रही है? Yes, तो मैंने क्या किया वेज की एक्सेलरेशन को मैं यहाँ पे लेफ्ट की तरफ चूज कर लेता हूँ. दिस इज एक्सेलरेशन ऑफ वेज. इसको मैं कैपिटल ए चूज कर लेता हूं. ठीक है, एंड इस ब्लॉक की एक्सेलरेशन जो होगी वो डाउन द इंक्लाइन रिलेटिव एक्सेलरेशन. दिस इज रिलेटिव एक्सेलरेशन एंड इसको मैंने ए चूज किया. ठीक है, रिलेटिव एक्सेलरेशन को ए चूज किया है बट ऑब्वियसली उसके पास ये एक्सेलरेशन भी है, एक्सेलरेशन ऑफ वेज भी है यहाँ पे. तो इन दोनों का जो भी वेक्टर सम आएगा, मुझे नहीं पता किस तरफ आएगा बट जिस तरफ भी आएगा मुझे नहीं पता. आई डोंट नो, आई एम नॉट अवेयर कि किस तरफ आने वाला है. वो कैलकुलेशन के बाद ही पता चलेगा कि किस तरफ आने वाला है एग्जैक्टली. बट जिस तरफ भी आएगा, सॉरी, जिस तरफ भी आएगा, ये वर्टिकल नहीं है, इसको थोड़ा सा इंक्लाइन करके रखिएगा, ये आपकी एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक आ जाएगी. ए बी लिखा है मतलब एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक. ठीक है, ये वर्टिकल नहीं है, ध्यान रखिएगा, दिस इज नॉट वर्टिकल. ठीक है, समझ आई आपको? हाँ सर.
नॉमेनक्लेचर्स तो कम से कम समझ आए। तो हमें क्या करना चाहिए, मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जब भी सुडो फोर्स पढ़ाते वक्त बताया था कि जब भी एक बड़ी सी फ्रेम है या ऑब्जेक्ट है और उसके ऊपर कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है जो रिलेटिव मोशन में है या इक्विलिब्रियम में है, तो बेस्ट होता है हम अपने फ्रेम को क्या करें, उस बड़े ऑब्जेक्ट पे सिचुएट करें और उसके बाद फिर उस छोटे ऑब्जेक्ट को देखें। तो छोटे ऑब्जेक्ट को जब हम फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो हम वेज के रिस्पेक्ट में ड्रॉ करेंगे, ठीक है। आई होप आपको बात समझ आई है। हाँ सर, ठीक है। सो फॉर ब्लॉक विथ रेस्पेक्ट टू वेज, वेज के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, तो उसका एक बार फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। सो ये हमारा ब्लॉक है, ये डाउन द इंक्लाइन एक लाइन ड्रॉ किया है एंड ये परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन एक लाइन ड्रॉ किया है। फोर्सेस दिखा लेते हैं एक बार, इसकी खुद की वेट होगी स्मॉल mg, एक नॉर्मल रिएक्शन होगा यहाँ पे और एक सुडो फोर्स भी आएगा ना, अभी आएगा नहीं सुडो फोर्स? हाँ सर आएगा। और ये सुडो फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, मास ऑफ ऑब्जेक्ट m मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम व्हिच इज कैपिटल A, राइट? हाँ सर। और इन सब का रिजल्टेंट किस तरफ आना चाहिए, इस तरफ आना चाहिए, क्योंकि रिलेटिव एक्सेलरेशन को हमने डाउन द इंक्लाइन चूज किया था ना, रिमेंबर? हाँ। और ये वेज के रिस्पेक्ट में ही, तो वेज के रिस्पेक्ट में आपको यही दिखेगा डाउन द इंक्लाइन जा रहा है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वो नहीं दिखता बट वेज के रिस्पेक्ट में तो वही दिखता, इसीलिए हमने वेज वाला फ्रेम को चूज किया है क्योंकि वो आसान है, ठीक है। अब बस कॉम्पोनेंट ब्रेक करना बचा हुआ है, तो ये एंगल तो अपने को पता है हॉरिजॉन्टल के साथ इस इंक्लाइन प्लेन की एंगल थीटा दी हुई है, this angle over here is theta, so obviously this angle will be theta, this angle will be theta. pseudo force ka component break karein is taraf, so that will be pseudo force sin theta and mg ka component idhar break karein, that will be mg cos theta and down the incline break karenge agar forces ko, so down the incline forces aayegi aapki pseudo force ki cos theta n plus mg का साइन थीटा। आई होप आपको समझ आई सारी चीजें, समझ आई सभी को सारी चीजें, समझ आई सबको सारी चीजें? अरे हाँ या ना तो बोल दो बेटा, अफर्मेटिव कर दो। ठीक है, अभी देखो नॉर्मल रिएक्शन अपने को चाहिए, तो नॉर्मल रिएक्शन का डायरेक्शन में आप इक्वेशन लिख लो, तो n प्लस सुडो फोर्स साइन थीटा दैट शुड बी इक्वल टू mg cos थीटा। तो इधर से अगर आप देखोगे तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू mg cos थीटा से कम आ रही है, mg cos थीटा माइनस ऑफ सुडो फोर्स साइन थीटा, सुडो फोर्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो ma सॉरी स्मॉल m है, स्मॉल m इनटू a इनटू साइन थीटा, ठीक है। ये पहली चीज है, आप ये याद भी रखो इसको, जैसे इसमें ऐसे थ्योरिटिकल क्वेश्चन भी हो सकते थे कि बताओ नॉर्मल रिएक्शन mg cos थीटा से ज्यादा आएगा या कम आएगा, तो तुरंत आपको समझ आना चाहिए था कि जब हम वेज के रिस्पेक्ट में बैठ के देखते तो सुडो फोर्स पीछे आता और उसका एक कॉम्पोनेंट नॉर्मल रिएक्शन की तरफ ही आता, तो वो आपका mg cos theta से रिएक्शन को कम कर देता, तो ऐसा एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो सकता था, समझ आ रही है? तो नॉर्मल रिएक्शन इज लेसर देन mg cos theta इस तरह के सिचुएशंस में, ये चीज का थोड़ा ध्यान रखिए, समझ आई? ठीक है, हाँ सर, ठीक है सर, ठीक है। अब आगे बढ़े, अब डाउन द इंक्लाइन इक्वेशन लिखते हैं। डाउन द इंक्लाइन इक्वेशन क्या है, सुडो फोर्स का cos theta मतलब स्मॉल m into capital A cos theta plus mg sin theta and that will be equal to mass into relative acceleration which is A, m तो कैंसिल आउट हो जाएगा एंड यहां से आपको a की वैल्यू मिल गई है g sin theta plus capital A cos theta, ये आपकी सेकेंड इक्वेशन हो गई है। okay, एक बार जस्ट एक बार इस डायग्राम में ही रिकॉल कर लो कि हमने वेरिएबल कितने चूज किए हैं, एक नॉर्मल रिएक्शन है, एक रिलेटिव एक्सेलरेशन है और एक आपका वेज का एक्सेलरेशन, तीन तीन वेरिएबल हमने चूज किए ना, नॉर्मल रिएक्शन, रिलेटिव एक्सेलरेशन, वेजेस एक्सेलरेशन, तीन वेरिएबल चूज किए हैं हमने। हाँ सर, तीन चूज किए। तो तीन वेरिएबल के लिए कितने इक्वेशन चाहिए एक बार बताइए? तीन इक्वेशन। यहाँ पे तो दो ही इक्वेशन मिले हमें, अब तीसरा इक्वेशन कहाँ से लाएंगे? अब वेज के फ्री बॉडी डायग्राम से लाएंगे, तो वेज के ऊपर भी तो वही नॉर्मल रिएक्शन एक्ट कर रहा है जो आपका ब्लॉक पे एक्ट कर रहा था, तो वही नॉर्मल रिएक्शन अब इस पे दिखाएंगे। अब वेज का ड्रॉ कर रहे हैं, देखो
ये कैप लेम है, ठीक है, यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन एक्ट हो रही है, फ्रिक्शन तो है नहीं, ये एंगल थीटा है, सो ऑब्वियसली ये भी थीटा होगी, तो यहाँ से एक कॉम्पोनेंट होगा एन कॉस थीटा, एंड यहाँ से कॉम्पोनेंट होगी एन साइन थीटा, मुझे सिर्फ एन साइन थीटा से मतलब है, क्योंकि यही उसको एक्सेलरेट करा रहा है लेफ्ट की तरफ, आप चाहो तो यहाँ से बाकी फोर्सेस भी दिखाओ, बट मुझे इससे कोई मतलब नहीं होगा यहाँ पे, आई एम लीस्ट इंटरेस्टेड इन दैट, क्योंकि मुझे उसे वर्टिकल डायरेक्शन से कोई मतलब ही नहीं इसका, तो इससे अगर देखोगे तो आपको मिलेगा, और तो कोई फोर्सेस नहीं है, नहीं, तो एन साइन थीटा की जो वैल्यू मिल रही है आपको, एन साइन थीटा की वैल्यू दैट इज कमिंग आउट ऑफ द फ्रिक्शन, तो नहीं था ना यहाँ पे कहीं, ऑल सरफेस स्मूथ, ठीक है, तो एन साइन थीटा की जो वैल्यू मिल रही है दैट इज कमिंग आउट ऑफ द कैपिटल एम इनटू कैपिटल ए, इस मतलब एन की वैल्यू आपको मिल गई है एम ए डिवाइडेड बाई साइन थीटा, ये आपकी थर्ड इक्वेशन हो गई है। अब ये तीनों इक्वेशन को यूज करके आपको बेसिकली एन की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेनी, क्योंकि हमें नॉर्मल रिएक्शन पूछा था, अच्छा इंडिविजुअल एक्सेलरेशन भी पूछे थे, तो सारा ही चाहिए बेसिकली। अब आप क्या करो, फर्स्ट इक्वेशन एंड थर्ड इक्वेशन को यूज कर लो, तो वहां से देखो एन आपको इमीडिएटली मिल जाएगा, दिख रहा है आपको फर्स्ट एंड थर्ड से, कैन यू सी दैट, फ्रॉम वन एंड थ्री, वन एंड थ्री से एन तुरंत मिल जाएगा, कैपिटल एम ए का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो एन इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा एंड माइनस ऑफ एम ए कैन बी रिटन एज एन साइन थीटा, तो एन साइन थीटा इंटू साइन थीटा बिकम साइन स्क्वायर थीटा, सो नॉर्मल रिएक्शन कैन बी रिटन एज एम जी कॉस थीटा एंड डिवाइडेड बाय वन प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये आपको नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू मिल गई है, तो पहले पार्ट में उसने यही बोला था नॉर्मल रिएक्शन निकालने, निकाल चुके हैं, और अब उसने पूछा है हमें, अब उसने पूछा है इंडिविजुअल एक्सेलरेशन भी पूछा है, एक वजह से, ओहो ए साइन थीटा का वैल्यू सब्स्टिट्यूट, मतलब स्मॉल ए और फर्स्ट इक्वेशन एंड थर्ड इक्वेशन में एम डिफरेंट है ना, देखो मैंने एन एम सेम ले लिया, तब ये लाया, ये गलत कर दिया, फर्स्ट इक्वेशन का स्मॉल एम है एंड थर्ड इक्वेशन में कैपिटल एम है, वो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, तो यहाँ पे एक और फैक्टर रहेगा, स्मॉल एम बाई कैपिटल एम भी रहेगा, स्मॉल एम बाई कैपिटल एम भी रहेगा, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे, इसको लिख सकते हैं कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम, और इसको कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम इंटू जी कॉस थीटा, ऐसे लिख सकते हैं, देखो अभी ठीक है, एक बार चेक कर लो, एक बार देख लो, एक बार जस्ट चेक करो, कैलकुलेशन ही कर चेक कर रहे हैं, इक्वेशंस तो ऑलरेडी सॉल्व हो, मतलब लास्ट में आ ही गए, ठीक है, ठीक है, ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन मिल चुका है, अब हम स्मॉल कैपिटल ए की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, तो कैपिटल ए की जो वैल्यू है हमारे पास दैट विल बी एन साइन थीटा बाय कैप एन साइन थीटा डिवाइडेड बाय कैपिटल एम, सो दिस बिकम्स एम जी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा एंड डिवाइडेड बाय कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू साइन स्क्वायर थीटा, ये भी हमें मिल गई है। अब लास्ट में बचा है रिलेटिव एक्सेलरेशन निकालना, तो रिलेटिव एक्सेलरेशन निकालें, तो रिलेटिव एक्सेलरेशन मिलेगी हमें जी साइन थीटा प्लस ए कॉस थीटा, तो ये हो जाएगी एम जी साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा एंड डिवाइडेड बाय कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम साइन स्क्वायर थीटा, सो दिस कैन बी रिटन एज कैपिटल एम साइन थीटा प्लस स्मॉल एम साइन क्यूब थीटा प्लस स्मॉल एम साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम साइन स्क्वायर थीटा एंड इसके साथ हमें जी को मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है, ठीक है, ठीक है, मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या? आ रही है, ठीक है, अब हमने देखो ए भी निकाल लिया, कैपिटल ए स्मॉल ए दोनों ही निकाल लिया, तो अब अगर ब्लॉक का एक्सेलरेशन निकालना होता तो क्या करते हैं हमें, अब वेक्टर सम करना है, देखो
ये हमारा कैपिटल ए है और ये हमारा स्मॉल ए है और ये वाली एंगल हमें थीटा दे रखी है. नाउ दिस इज फॉर एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक, सॉरी फॉर एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. ठीक है, तो इनका ही वेक्टर सम आपको करना है. तो ये स्मॉल ए का आप कंपोनेंट ब्रेक कर लो तो ये ए कॉस थीटा आ जाएगा और इधर आपकी ए साइन थीटा आ जाएगी. सो इसको आप लिख सकते हो, दिस इज टुवर्ड्स राइट, आप ऐसे दिखा सकते हो, दिस इज ए कॉस थीटा माइनस ऑफ कैपिटल ए एंड डाउन द डायरेक्शन में है ए साइन थीटा एंड इन दोनों का एक वेक्टर सम आएगा एंड दैट विल बी द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक. दिस इज एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक and therefore acceleration of block becomes root under a cos theta minus of capital A ka square and plus a sin theta and iska square. samajh aayi sabhi ko? ha sir. theek hai, jab values diye hote hai na capital m small m theta ka to itna lamba lamba expression nahi aata, tab jaldi ho jata. बट यहाँ पे वैल्यूज नहीं दिया हुआ, ये अल्फाबेट्स के टर्म्स में हमने सारे लिखे हैं, स्मॉल एम कैपिटल एम थीटा सब इसके टर्म्स में लिखे हैं, इसीलिए ये थोड़ा लंबा सा दिख रहा है. ठीक है, बट अदरवाइज कंसेप्ट जो से देखो आपने क्या सीखा है कि अगर वेज फ्री टू मूव है और उसके ऊपर एक ब्लॉक अगर स्लाइड करने के लिए छोड़ा है तो ब्लॉक का एक्सेलरेशन डाउन द इंक्लाइन आपका एम जी कॉस थीटा पहला चीज तो नहीं होगा. ठीक है, एम जी साइन थीटा नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे आपकी जो वेज है वो वेज फिक्स नहीं है. अगर वेज फिक्स्ड होती तो फिर वो डाउन द इंक्लाइन एम जी साइन थीटा आती, जी साइन थीटा आती, बट वेज के एक्सेलरेट करने की वजह से वो सेम वैल्यू नहीं जनरेट होगा. ठीक है, इसका ध्यान रखना. तो इसीलिए हम इस मोशन को एनालाइज करने के लिए एक है कि हमने वेज का एक्सेलरेशन मान लिया कुछ एक वैल्यू एंड फिर वेज के रिस्पेक्ट में ब्लॉक का एक्सेलरेशन मान लिया कुछ एक वैल्यू एंड फिर ब्लॉक को एनालाइज करने के लिए हमने वेज के रिस्पेक्ट में फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ किया क्योंकि वहां से ही हमें मोशन इजी समझ आ रहा था क्योंकि वेज के ऊपर खड़े होने से हमें सीधे से दिख रहा था कि ब्लॉक डाउन द इंक्लाइन स्लाइड कर रहा है. बट ग्राउंड के फ्रेम में जब हम उसको देखेंगे तो डाउन द इंक्लाइन एंड हॉरिजॉन्टली लेफ्ट इन दोनों का वेक्टर सम करके फिर कैलकुलेशन करना पड़ता. ठीक है, समझ आइए सभी को? हाँ सर, समझ आ गया. अब इसी तरह का एक और क्वेश्चन है, सिमिलर सा है बट इसको थोड़ा और ज्यादा कॉम्प्लिकेट करने की कोशिश की गई है. कॉम्प्लिकेटेड हुआ या नहीं देखते हैं, बट कॉम्प्लिकेटेड हुआ है या नहीं. द क्वेश्चन सेज फिगर शोज अ वेज ऑफ मास कैपिटल एम ऑन एन इंक्लाइन प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन 30 डिग्री. अ स्मॉल ब्लॉक ऑफ मास 1 केजी इज प्लेस्ड ऑन द हॉरिजॉन्टल सरफेस ऑफ द वेज. इफ द वेज इज गिवन an acceleration of 6 meter per second squared down the plane, then the normal force on the block is, पहला तो आपको normal reaction निकालना है, ये पहला part ही है, ये पहला part है जो आपको निकालना है, और दूसरा part है, to find the time after which block strikes the edge of the wedge, block को wedge के edge पे पहुंचने में कितना time लगेगा, ये भी find out करना है. जो given condition है वो ये है कि wedge का acceleration 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर डाउन द इंक्लाइन है, ये गिवन है. तो मैं पहले ही दिखा दे रहा हूं, ये इसकी एक्सेलरेशन आपकी नीचे की तरफ डाउन द इंक्लाइन आपकी 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की है, दिस इज 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो इसकी एक्सेलरेशन कुछ मुझे फाइंड करनी नहीं है, मुझे एक्सेलरेशन सिर्फ अब ये निकालना है कि ब्लॉक का कितना होगा. तो मैंने आपको एक चीज समझाई कि मतलब जब भी आप देखोगे, जैसे अगर आप वेज के ऊपर आप चढ़ के देखो तो मोशन आपको ईजी समझ आएगा. तो मैंने क्या किया, अपने फ्रेम को वेज पे ही हम फिक्स करते हैं. सो विथ रिस्पेक्ट टू वेज अब ब्लॉक का डायग्राम शो करेंगे. तो मेरे पास सिचुएशन ये है कि ये वेज है और यहाँ पे हमारा ब्लॉक है, ये मास एम का. मैंने अपनी फ्रेम को यहाँ पे फिक्स कर दिया है, ध्यान रखिएगा. ठीक है, यहाँ पे फिक्स है. तो अब इस पे जो भी रियल फोर्सेस दिखाएंगे उसके अलावा एक सुडो फोर्स भी दिखाना पड़ेगा. तो mg एक फोर्स लग रही है, नॉर्मल रिएक्शन एक लग रही है, और अब एक सुडो फोर्स लगेगा. सुडो फोर्स विल जस्ट बी ऑपोजिट टू एक्सेलरेशन ऑफ द वेज. तो इसलिए जो वेज का जो इंक्लाइन सरफेस है या हॉरिजॉन्टल मतलब जो हाइपोटेन्यूज है, देखो उसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ किया मैंने, दिख रहा है आपको? दिख रही है आपको? ये पैरेलल लाइन है. क्यों चाहिए ये पैरेलल, क्यों लिया मैंने? क्योंकि मुझे सुडो फोर्स एग्जैक्टली इस लाइन के अलोंग ही दिखानी है.
तो अब मैंने इस पे एक सुडो फोर्स दिखाया यहाँ पे, ये चेक करो आप यहाँ पे, दिस इज द सुडो फोर्स एंड दैट सुडो फोर्स विल बी मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन ऑफ वेज, तो मास इनटू 6 करेंगे, समझ आ रही है? तो 6m का एक सुडो फोर्स लग रहा है इसके ऊपर, ठीक है, समझ आ गया आपको? हाँ सर। अब इससे देखोगे अगर आप, तो सुडो फोर्स का एक वर्टिकल कॉम्पोनेंट है, एक हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट भी है। ये वाली एंगल आपको कितना दे रखी है? 30 डिग्री दे रखी है, दिस इज 30, तो ऑब्वियसली इधर से 60 हो जाएगा। तो इधर पे कॉम्पोनेंट लेंगे तो आप लिख सकते हैं सुडो फोर्स का कॉस 60, एंड इधर से लिखेंगे तो आप लिख सकते हैं सुडो फोर्स का कॉस ऑफ 30। अब अगर देखो कि फ्रिक्शन तो है नहीं, फ्रिक्शन नहीं है तो सुडो फोर्स का कॉस थीटा की वजह से ये ब्लॉक जो है वो लेफ्ट की तरफ देखो एक्सेलरेट करना स्टार्ट कर जाएगा। नाउ दिस एक्सेलरेशन इज नॉट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, दिस इज रिलेटिव एक्सेलरेशन, समझ आ रही है आपको? समझ आ रही है? यस सर। तो बस अब इक्वेशन लिख लेते हैं, तो कुछ बचा नहीं यहाँ पे, तो पहले नॉर्मल रिएक्शन के लिए निकाल लेते हैं। तो नॉर्मल रिएक्शन प्लस द सुडो फोर्स कॉस 60 दैट शुड बी इक्वल टू mg, एंड देयरफॉर नॉर्मल रिएक्शन बिकम्स mg, m की वैल्यू दी हुई होगी शायद 1 kg का ब्लॉक है, 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन, ठीक है, तो दिस विल बिकम 1g एंड माइनस ऑफ सुडो फोर्स व्हिच इज 1 into 6 एंड into x cos 60 मतलब हाफ, तो ये आ रहा है आपके पास 10 माइनस 3 मतलब 7 न्यूटन आ रहा है, दिख रही है आपको? ठीक है, हाँ सर ठीक, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब लेफ्ट की तरफ का जो फोर्स है उसका, उसकी वजह से एक्सेलरेशन निकालेंगे। सो देयरफॉर ए रिलेटिव जो आनी है आपके पास दैट विल बी सुडो फोर्स का कॉस 30 एंड डिवाइडेड बाई मास कर लेंगे। सो सुडो फोर्स वॉज 6m एंड दैट मल्टीप्लाइड विथ 3/2 डिवाइडेड बाई m एंड दैट गिव्स यू 3√3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन, मतलब रिलेटिव एक्सेलरेशन 3√3 का है, एंड उसको यहां से यहां तक मूव करना है, सोचो डिस्टेंस कवर करना है, एंड ये रिलेटिव डिस्टेंस ही ऑब्वियसली, ये देखो यहां से यहां तक का ये डिस्टेंस आपको एल दे रखा है, तो रिलेटिव डिस्टेंस मतलब वेज के रेस्पेक्ट में ब्लॉक को कितना डिस्टेंस कवर करना है, कितना कवर करना है, एल, समझ आ रही है आपको? हाँ सर। सो एस रिलेटिव डायरेक्टली लिख लेंगे हाफ ऑफ a relative into t square, तो इसको लिखा l is equal to half of 3√3 and into t square, अच्छा l की वैल्यू कितनी दी हुई थी? 10 मीटर, 10 मीटर दिया हुआ है, 10 मीटर, तो इसको लिख लेते हैं दिस इज 10 मीटर, तो t की वैल्यू आ जाएगी आपके पास रूट अंडर 20 डिवाइडेड बाय 3√3, that is the final answer. इसको rationalize करके लिखना चाहें तो लिख सकते हैं इसको ऐसा, this will be 20√3 divided by 9 seconds, ये final answer हो जाएगा, ठीक है, समझ आ गई सभी को? Yes, समझ आ गई सभी को? एक interesting चीज notice करो आप, एक interesting चीज notice करो, वेज के रेस्पेक्ट में ब्लॉक जो है वो पीछे जाता हुआ दिख रहा है, बट ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ब्लॉक का एक्सेलरेशन या मूवमेंट किस तरफ होगा आप ये बताएंगे? ग्राउंड के रेस्पेक्ट में बताओ, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में बताइए, उस पर ग्राउंड के रेस्पेक्ट में क्या क्या फोर्सेस है? सिर्फ mg और सिर्फ नॉर्मल रिएक्शन, यही दो है ना, या और भी कुछ है? ग्राउंड के रेस्पेक्ट में क्या क्या फोर्सेज है उसके ऊपर? नॉर्मल रिएक्शन और mg लग रहा है, बस दो ही हैं और दोनों वर्टिकल हैं। यस सर। तो क्या ब्लॉक का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन या मोशन हो सकता है? बताओ। नहीं सर। नहीं, दैट्स इट। इसका मतलब ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ब्लॉक क्या है, वर्टिकली गिर रहा है, बट वेज के ऊपर देख रहे हैं तो क्या दिख रहा है, हमें पीछे जा रहा है, राइट? और वो क्यों हो रहा है पता है? ऐसा सिचुएशन है, देखो जैसे ऐसे सोचो ये इंक्लाइन प्लेन है और ब्लॉक यहाँ रखा हुआ है, ठीक है, तो मैं ऐसे देखो ऐसे कर रहा हूँ, मैं इसको सोचो मैं अपने हाथ को ना जस्ट नीचे ले जाता हूँ, ठीक है, ये नीचे चला गया देखो, ठीक है, मैंने नीचे ले गया, और फिर मैं वेज को क्या करूँ, नीचे स्लाइड कर दूँ, ये देखो नीचे स्लाइड कर गया, देखो ये दोनों यहाँ आ गया, नहीं आ गया, दिख रहा है, समझ आया? वेज तो डाउन द इंक्लाइन स्लाइड कर रहा है, कर रहा है, नहीं कर रहा है? हाँ सर। वेज जो है वो तो डाउन द इंक्लाइन स्लाइड कर रहा है ऐसे, तो ये वाला जो है ये ऊपर से जैसे यहाँ पे था पहले, तो ये स्लाइड करता हुआ नीचे जा रहा है, और ये देखो इसके ऊपर यहां गिर गया, दिख रहा है आपको?
दिख रही है आपको? हाँ सर, डाउनवर्ड। ये ऐसे गया और ये ऐसे गया, देखो तो यहाँ पहुंचा ना, इसके रेस्पेक्ट में क्या दिख रहा है कि पीछे चला गया, बट एक्चुअली वो पीछे गया नहीं है, वो सीधे नीचे गया है, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में सीधे से नीचे गिरा है, बट वो वेज के रेस्पेक्ट में अगर आप देख रहे हो तो वेज के रेस्पेक्ट में वो पीछे जाता हुआ दिख रहा है। इसीलिए तो बोलते हैं ना, मोशन जो है वो बहुत ही रिलेटिव चीज है। आपको एक जगह से जो दिख रही है दूसरे जगह से एकदम बिल्कुल हो सकता है सिनेरियो एकदम अलग दिख रही हो। तो कोई अगर वेज के ऊपर बैठ के देखेगा तो बोलेगा कि वो ब्लॉक पीछे जाता हुआ दिख रहा है, बट एक्चुअली ब्लॉक तो पीछे गया ही नहीं कभी, ब्लॉक तो हमेशा क्या था, वर्टिकली डाउनवर्ड से गिर रहा था। आई होप आपको बात समझ आ रही है। हाँ सर, समझ आ रहा है। ठीक है, ये सब थोड़ा सा विजुलाइज करने की कोशिश करो इन सब चीजों को, नहीं तो फिर थोड़ा सा मुश्किल आएगा। चलो, इतने क्वेश्चन मैंने सॉर्ट आउट कर रखा था, अभी टाइम तो काफी बचा हुआ है, मैंने सोचा चलो ठीक है और क्वेश्चन करते थे। ठीक है, ये मान लेते हैं एक बीड है, ठीक है, दिस इज अ बीड, बीड समझते हैं ना, मोती, ठीक है, वो पिरोया हुआ है उसके ऊपर, एंड ये एक रॉड है, दिस इज अ रॉड, एंड इसकी मास m और लेंथ l दे रखी है। बीड की मास आप मान लो कुछ एक कैपलेम दे रखी है, ठीक है, दोनों की मासेस डिफरेंट ले लिए मैंने, एक का मास कैपलेम ले लिया, एक का मास स्मॉल m ले लिया है, और बीड को वहां पे लगा के छोड़ दिया है। अब आपको ये क्वेश्चन में दे रखा है कि द फ्रिक्शन बिटवीन बीड एंड द फ्रिक्शन बिटवीन बीड एंड स्ट्रिंग इज 1/4 ऑफ द वेट ऑफ बीड। Find after what time will the bead cross the other end of the rod? Other end of the rod. बताओ कितने आएगा? तुम खुद से try करो एक बार, मैं आपको 3 मिनट का time देता हूँ, try करो एक बार खुद से। सर ट्राई कर रहा हूँ। अच्छा, क्या ट्राई कर रहे हैं आप बताइए, अटेम्प्ट कैसे किया आपने बताइए, फिर मैं आपको बताता हूँ आप सही जा रहे हैं या नहीं जा रहे। सर टी का आंसर क्या रूट ओवर 8 एल बाई जी होगा? मुझे आंसर नहीं पता, पर अटेम्प्ट बताइए कैसे कर रहे हैं, फिर मैं आपको आंसर बता पाऊंगा कि सही है गलत है। सर जो बीट जो है वो तो सर नीचे मूव करेगा, ठीक है, तो सर उसका जो एक्सेलरेशन आएगा बीट का वो होगा 3/4 mg क्योंकि ऊपर 1/4 mg क्यों आएगा? टेंशन नहीं है क्या स्विंग में? मेन चीज तो यहाँ पे यही सोचने का है कि ये फ्रिक्शन और टेंशन का क्या रिलेशन है, मेन तो आपको वही सोचना है क्योंकि फ्रिक्शन दे रखा है वहां पे, टेंशन नहीं दिया, अब यही तो सोचना है आपको कि क्या रिलेशन है उनके बीच का, सोचो 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 सोचो, कभी ऐसा हो तो क्या हो, सोचो। Thank you.
देखो तो आपको ये डायग्राम समझ आ रहा है क्या क्या है? इस डायग्राम में क्या दिखाया मैंने? इस डायग्राम में मैंने क्या दिखाया है सर? कि एक हाथ रॉड को पकड़ रहा है। सही है, एक रॉड है जिसको हमने हाथ से पकड़ रखा है, ठीक है, ऐसे दिखा रखा है। ये क्यों किया मैंने आपको समझाता हूँ मैं आपको, क्योंकि इसी से आप समझेंगे वो फ्रिक्शन का क्या रोल है यहाँ पे। जैसे आप सोचो कि आप एक रॉड को पकड़ के लटके हुए, तो आपको किसने लटका रखा है, टेंशन ने या फ्रिक्शन ने? पहले ये सोचो, आपको किसने लटकाया, टेंशन ने या फ्रिक्शन ने? सोचने की बात है, बताओ। तुम्हारे हाथ और रॉड के बीच में अगर सरफेस स्मूथ कर दें तो क्या तुम इस रॉड को पकड़ पाओगे? नो सर। नहीं सर, फिसल के गिर जाओगे। सिर्फ नाम करके ही पकड़ोगे ना, बाकी तो स्लिप करके नीचे गिर जाओगे, राइट? हाँ सर। हाँ सर, तो तुम ये सोच के देखो, तुम्हारे हाथ के सरफेस और इस रॉड के बीच में एक फ्रिक्शन जनरेट हो रहा है यहाँ पे, और वही तुम्हें बेसिकली नीचे स्लाइड करने से रोक रहा है। तुम्हारा हाथ क्या कर रहा है, इस रॉड के ऊपर नीचे जाने की कोशिश कर रहा है, जा रहा है ना, कोशिश तो ऐसा ही है, समझ आ रही है आपको? तो इसमें उसको रोकने के लिए क्या करेगा, वहां पे एक फ्रिक्शन जनरेट होगा, इसके वॉल पे एक फ्रिक्शन जनरेट होगा तुम्हारे हाथ के इनर वॉल पे, और वो क्या करेगा, उसको ऊपर खींचेगा। तो तुम्हारे हाथ पे जो लग रही है, जो फोर्स जो उसको रोक रही है, वो क्या है, फ्रिक्शन ही है बेसिकली। अब यही फ्रिक्शन एज अ रिएक्शन इस स्ट्रिंग में किधर लगेगा, नीचे लगेगा, यानी मतलब ये इस रॉड में नीचे लगेगा, क्योंकि इसने तुम्हारे हाथ पे ऊपर फ्रिक्शन लगाया, तो तुम्हारा हाथ इस रॉड पे किधर फ्रिक्शन लगाएगा, नीचे लगाएगा या नहीं लगाएगा, समझ आ रही है? यही फ्रिक्शन है, यही फ्रिक्शन है जो तुम्हारा पुलिंग फोर्स है इसके ऊपर, यही फ्रिक्शन है जो पुलिंग फोर्स है। नहीं तो तुम पुल कैसे करोगे इसको, तुम पुल कैसे करोगे? इमेजिन करो मैं तुम्हारे हाथ में बहुत सारा बटर लगा दूं, या कुछ भी एक वैक्स लगा दूं जो बहुत स्लिपरी हो, और तुमको एक रस्सी हाथ में दे दो, तुम उसको पुल कर लोगे क्या? नहीं सर, बिल्कुल नहीं पुल कर पाओगे। तुम अपने हाथ में ग्रिप करोगे बट उसको पुल नहीं कर पाओगे, हमेशा ऐसे खींचोगे तो तुम्हारा हाथ ही स्लाइड कर जाएगा उसके ऊपर। सो बेसिकली इंपॉर्टेंट ये है, आप ये रियलाइज करें कि व्हेन यू पुल इट, इट्स ओनली फ्रिक्शन व्हिच इज हेल्पिंग यू पुल इट, सो योर पुलिंग फोर्स इज बेसिकली द फ्रिक्शन्स पुलिंग फोर्स ओनली। समझ आई? अच्छा सर, समझ आई। और वही फ्रिक्शन ने बेसिकली क्या किया, इसमें टेंशन जनरेट किया। तो टेंशन ऑफ स्ट्रिंग बेसिकली क्या होता है, पुलिंग फोर्स के इक्वल होता है या नहीं होता? होता ही नहीं होता। हम बोलते हैं ना कि हमने स्ट्रिंग को पुल किया, हम बोलते हैं हमने स्ट्रिंग को पुल किया, तो पुल कैसे किया, फ्रिक्शन जो है हमारे और स्ट्रिंग के बीच में वही पुल कर रहा है, और यही फ्रिक्शन बेसिकली यहाँ पे क्या कर रहा है, टेंशन जनरेट कर रहा है। मतलब जो फ्रिक्शन उसने दिया है इनडायरेक्टली वो क्या था, टेंशन ही था। समझ आई आपको? हाँ हाँ सर, आप समझे समझे। आई होप एवरीबॉडी इज क्लियर विद इट। यस, ठीक है। तो इसलिए ये इसलिए पहले मैंने ये रॉड वाला एग्जांपल आपको समझाया, मैं लिख दे रहा हूँ इस चीज को ताकि आपको याद रहे, फ्रिक्शन एक्सर्टेड बाय रॉड और स्ट्रिंग जो भी है जिससे लटका हुआ है ऑन हैंड, एंड यही रिएक्शन बेसिकली इस पे नीचे की तरफ आएगा। सो दिस इज फ्रिक्शन एक्सर्टेड बाय हैंड ऑन रॉड या स्ट्रिंग, and this generates tension over here. So therefore, if string is massless, then friction will be equal to tension. समझ आ गई सबको ये concept? अब इसी को basically वहाँ पे use कर लेना है, ठीक है? समझ आ गई सभी को? हाँ sir. ठीक है, अब इसको जल्दी से use कर लेते हैं यहाँ पे। तो find the time, find after what time? After what time the other bead will cross? ठीक है, तो पहले bead की acceleration निकाल लेते हैं। So coming back to a question, ये concept था, ठीक है? This was concept used. So concept used लिख देते हैं। Concept used.
कमिंग बैक टू क्वेश्चन, अभी बीड के लिए पहले लिखेंगे, दिस इज बीड, इसकी खुद की वेट है mg, और इधर से एक फ्रिक्शन जनरेट हो रही है विच इज mg by 4, तो डेफिनेटली इसकी एक एक्सेलरेशन डाउन द इंक्लाइन आएगी, एक्सेलरेशन ऑफ बीड लिख लेते हैं, एंड दैट विल बी mg माइनस ऑफ mg by 4 डिवाइडेड बाय m, एंड दैट विल बी 3g by 4 आएगी. एंड रॉड के लिए भी लिखें, ये रॉड के लिए लिख रहे हैं, तो यहाँ पे टेंशन आएगा और यही टेंशन आपके फ्रिक्शन से इक्वल है, और यहाँ पे इसकी खुद की एक वेट है कैपिटल एम जी, और इसकी एक्सेलरेशन आएगी नीचे की तरफ ए टू, तो ए टू की वैल्यू लिख सकते हैं कैपिटल एम जी माइनस फ्रिक्शन, फ्रिक्शन इज स्मॉल एम जी डिवाइडेड बाई कैपिटल एम, सो दिस बिकम्स कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम इन टू जी डिवाइडेड बाई कैपिटल एम, ये ए वन ए टू मिल गया है. तो हमने ये फाइंड आउट कर लिया कि इसकी एक्सेलरेशन नीचे की तरफ a1 कितनी है, इसकी एक्सेलरेशन नीचे की तरफ a2 कितनी है. तो अब अगर ग्राउंड के रिस्पेक्ट में अगर आप देखोगे तब तो आपको नहीं समझ आएगा, क्योंकि दोनों ही नीचे जा रहा है. एक में बैठ के दूसरे को देखो तुरंत समझ आ जाएगा, बहुत इजीली समझ आएगा. रॉड पे बैठ जाओ और बीड को देखो, अब आपको क्या दिखेगा, बीड का एक्सेलरेशन क्या दिखेगा, ऊपर की तरफ a2 माइनस a1 दिखेगा. यस सर. हां सर. तो इससे अब आपको क्या दिखेगा, बीड को रिलेटिव डिस्टेंस कितना कवर करना है, एल, है ना, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में एल नहीं कवर करना है, बट रिलेटेड टू रॉड कितना कवर करना है, एल कवर करना है. हां सर, समझो, बस वही कंडीशन अब लगाएंगे. सो नाउ विथ रिस्पेक्ट टू रॉड कर रहे हैं, ठीक है, नाउ विथ रिस्पेक्ट टू रॉड अब मोशन एनालाइज कर रहे हैं. तो ये रॉड है अपना, रॉड हमारा फिक्स हो जाएगा क्योंकि हमने उसके ऊपर ही अपनी फ्रेम को फिक्स कर रखा है, ठीक है, तो यहाँ पे फ्रेम लगा दिया है, ये फिक्स होगा. और यहाँ पे अपना बीड है, दिस इज बीड ओवर हियर, दिस ऑलरेडी हैड एन एक्सेलरेशन ऑफ A1 downwards, A1 था ना वो, हाँ, और इसकी acceleration A2 थी, but अब मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अब हमने revert करके add कर दिया है, this is A2, so this is equivalent to ऊपर की तरफ, relative acceleration is A2 minus of A1, so therefore S relative will be half of A relative into T square लिख लेंगे, तो T will be L divided by, sorry, 2L divided by A relative which is A2 minus of A1 and इसका रूप ले लेंगे. A1 A2 तो आप निकाल ही चुके हो, उसको सब्स्टिट्यूट कर दोगे आंसर आ जाएगा. समझ आई है सभी को? समझ आई है सभी को? हाँ या ना? पूछ रहे हैं सर, दोनों एक साथ नीचे कैसे आ रहा है, मतलब जब ग्राउंड से देख रहे हैं एक साथ दोनों नीचे. हाँ, तो वो तो बीड उससे बंधा हुआ थोड़ी है, बीड तो उसके ऊपर एम्बेडेड है ना, बंधा हुआ नहीं है ना, बांध के थोड़ी रख दिया उसको, इट्स नॉट टाइड टू इट, इट्स जस्ट एम्बेडेड, नो, तो इसको स्लाइड कर ही रहा है. तो ये रॉड जो है वो नीचे की तरफ जा रहा है और स्ट्रिंग को ऊपर खींच रहा है और बीड इसके ऊपर ऐसे स्लाइड करके जा रहा है. अच्छा ठीक है, मतलब रॉड पूरा स्ट्रिंग को खींच रहा है और बीड स्ट्रिंग को खींच रहा है, स्ट्रिंग के ऊपर ही फिर स्लाइड कर रहा है. हाँ, रॉड ज्यादा, मतलब हाँ ठीक है, ठीक है, समझ, ठीक है. अगर बंधा होता, अगर बीड उसके साथ बंधा होता तब ये प्रॉब्लम होता आपको सोचने में कि ऐसा कैसे हो रहा है, बट बंधा हुआ तो है नहीं वो. चलो एक और अच्छा करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए, एक इनफाइनाइट पुली बेस सिस्टम करवाते हैं आपको, इनफाइनाइट पुली बेस सिस्टम. ये अप टू इनफिनिटी चलेगा, ठीक है, सारे मासेस आपके आइडेंटिकल हैं, ठीक है, पुलीज, ऑल पुलीज आर आइडियल, ये कह रखा उसने, ऑल पुलीज आर आइडियल. आपको फाइंड करनी है दो चीजें, पहला आपको फाइंड करना है पुलिंग फोर्स exerted by string on ceiling,
सीलिंग पे कितनी फोर्स एग्जर्ट कर रहा है वो निकालना है आपको, एंड दूसरा आपको ये निकालना है एक्सेलरेशन ऑफ अपर मोस्ट ब्लॉक, जो सबसे ऊपर ब्लॉक है उसकी एक्सेलरेशन फाइंड करनी है कितनी, ये दो चीजें आपको फाइंड करनी है। अब पहले तो देख के ही डर लगेगा कि यू नो कि इनफाइनाइट पुली बेस्ड सिस्टम है कैसे होगा, एक दो तो बनता नहीं है, इनफाइनाइट कैसे आएगा। तो बेसिक जो स्टेप्स आता है आपको वो लगाते चले जाओ, अपने आप देखो क्वेश्चन सॉल्व होता है या नहीं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे टी दिखाता हूँ, यहाँ पे भी टी होगा टेंशन, सेम स्ट्रिंग में सेम टेंशन, राइट? ठीक है, हाँ सर। तो यहाँ पे कितना आएगा टी बाई टू, टी बाई टू, ठीक है, हाँ सर। तो यहाँ कितना आएगा टी बाई फोर, टी बाई फोर, सही है। यहाँ पे टी बाई एट, टी बाई एट, ऐसे चलता रहेगा भाई, है ना। जीपी में अगर आप देखोगे तो टेंशन जीपी में डिक्रीज होता जा रहा है, हाफ का फैक्टर है, दिख रहा है आपको? हाँ सर, इनफिनिटी जीपी सर जीरो को अप्रोच कर रहा है। हाँ मतलब इनफिनिटी पे जब जाएगा तब जीरो को अप्रोच करेगा, उससे पहले थोड़ी ना है। अब इंडिविजुअल एक्सेलरेशन कुछ ना कुछ मान लेते हैं कि इसकी एक्सेलरेशन मान लेते हैं ए वन है, इसकी एक्सेलरेशन मान लेते हैं ए टू है, इसकी एक्सेलरेशन मान लेते हैं ए थ्री है, इसकी एक्सेलरेशन मान लेते हैं ए फोर है, ऐसे जो इनफाइनाइट नंबर ऑफ ब्लॉक्स है सबके लिए। यहाँ पे टेंशन टी ऊपर की तरफ है, इसका वेट एम जी नीचे की तरफ है। यहाँ टेंशन टी बाई टू ऊपर की तरफ है, वेट नीचे की तरफ एम जी है। टेंशन टी बाई फोर ऊपर की तरफ है और वेट एम जी नीचे। टेंशन टी बाई एट ऊपर है एंड वेट नीचे। देखो तो ठीक है, इतने दूर तक कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है? यस सर, हां सर, ठीक है, हां सर। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, कंस्टेंट रिलेशन लिख लेते हैं कि ए वन ए टू ए थ्री ए फोर ए एन इन्फिनिटी तक जितने भी मासेस हैं सबके बीच में एक्सेलरेशन का रिलेशन क्या है। तो वही टी डॉट ए इक्वल टू जीरो होना चाहिए, तो समेशन ऑफ टी डॉट ए इक्वल टू जीरो, ये इस पूरे सिस्टम के लिए लिख रहे हैं। तो पहले लिखेंगे तो टी इंटू ए वन विथ अ नेगेटिव साइन, फिर टी बाई टू इंटू ए टू विथ अ नेगेटिव साइन, टी बाई फोर इंटू ए थ्री विथ अ नेगेटिव साइन, एंड ऐसे करके इन्फिनिटी तक इक्वल टू जीरो, यही आएगा ना। देखो तो एक बार चेक करो। यस सर, तो इससे रिलेशन हमारी बन रही है ए वन प्लस ए टू बाई टू प्लस ए थ्री बाई फोर प्लस इन्फिनिटी तक, ये इक्वल टू जीरो, राइट? ये हमारा रिलेशन है, ये कंस्टेंट रिलेशन है। मतलब अगर इनफाइनाइट ब्लॉक सिस्टम है तो उनके लिए ये एक्सेलरेशन का रिलेशन होल्ड करना चाहिए, दिस इज अप टू इन्फिनिटी। अब इंडिविजुअली ये जो एक्सेलरेशन है, इंडिविजुअल एक्सेलरेशन, ये फ्री बॉडी डायग्राम से निकाल सकते हैं। जैसे ए वन का वैल्यू कितना आएगा, एम जी माइनस टी बाई एम आएगा, नहीं? ए टू का वैल्यू कितना आएगा, एम जी माइनस टी बाई टू बाई एम, राइट? हाँ सर, बिल्कुल। वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते चले जाओ, तो ए वन की वैल्यू लिख रहे हैं पहले एम जी माइनस टी बाई एम प्लस हाफ ऑफ एम जी माइनस टी बाई टू बाई एम प्लस वन फोर्थ ऑफ एम जी माइनस टी बाई फोर बाई एम एंड प्लस करके इक्वल टू जीरो। देखो आपको समझ आ गई ये चीज़ है, ठीक है? बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया और कुछ नहीं है, ठीक है? यस। यहाँ से एम का कोई काम नहीं, हटा देते हैं यहाँ से, क्योंकि वो क्रॉस मल्टीप्लाई होकर जीरो हो जाएगा। अब दो फैक्टर है, एक है एम जी वाला फैक्टर, एम जी वाले फैक्टर में एम जी को कॉमन कर लिया तो यार वन प्लस हाफ प्लस वन बाई फोर प्लस करके ये इन्फिनिटी तक जाएगा, तो इन्फाइनाइट जीपी आ गया ये, एंड प्लस सॉरी माइनस माइनस टी को कॉमन कर लिया तो ये आ रहा है वन प्लस वन बाई फोर प्लस वन बाई सिक्सटीन एंड प्लस करके ये इन्फिनिटी तक जाएगा, दिस शुड बी इक्वल टू जीरो। देखो समझ आ रही है आपको, दो इन्फाइनाइट जीपी दिख रहे हैं, तो दोनों इन्फाइनाइट जीपी का सम लिख लो, तो एम जी इंटू ए बाई वन माइनस आर, सो ए बाई वन माइनस ऑफ आर माइनस ऑफ टी इंटू ए बाई माइनस वन माइनस आर, ए इज फर्स्ट टर्म सो वन बाई वन माइनस ऑफ वन बाई फोर इज इक्वल टू जीरो। देखो आपको समझ आई है? यस सर, हां सर, हां। तो ये आ गई आपको, आपकी आ गई टू एम जी माइनस ऑफ फोर थर्ड टी, फोर थर्ड ही आ रहा ना इसका टू, हाँ, इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से आपको टेंशन की वैल्यू मिल गई, देखो ये टू टू कैंसिल आउट हो गई है, टेंशन की वैल्यू आ गई है थ्री एम जी बाई टू, दैट इज द आंसर। समझ आई? हाँ सर, समझ आई। क्या इसमें कोई नया कंसेप्ट यूज हुआ? नहीं सर, कुछ भी नया कंसेप्ट नहीं है। तुम अगर देखोगे कुछ भी नया कंसेप्ट नहीं है, एक कंस्ट्रेंट है और फ्री बॉडी डायग्राम है, और कुछ लिखा ही नहीं मैंने, कुछ भी नया लिखा नहीं है। टेंशन मिल गया आपको, अब टेंशन मिल गया तो क्या आपको पुलिंग फोर्स भी मिल जाएगा, जो ऊपर का सीलिंग से फोर्स जनरेट हो रहा है? हाँ सर, तो मिल जाएगा। टूटी है ना वहां का, देखो तो यहाँ का कितना है, टूटी है या नहीं? हाँ सर, टूटी है।
है ना, ये इसको सॉरी ये सीलिंग को टूटी से खींच रहा है नीचे की तरफ, पुली को भी यहाँ पे टूटी से ही खींच रहा है, बट हमें तो उससे सीलिंग से मतलब है, तो उसे टूटी डाउनवर्ड्स हो जाएगा. सो देयरफॉर पुलिंग पहले पार्ट का जो आंसर होगा, फोर्स ऑन सीलिंग, ऑन सीलिंग दैट विल बी टू टी एंड दैट विल बी थ्री एम जी. इनफाइनाइट मास सिस्टम है बट पुलिंग फोर्स कितना है, थ्री एम जी है, दिख रहा है. एक्सेलरेट कर रही है ना सिस्टम, तो एक्सेलरेट कर रही है उसको लटका के, सिर्फ उसको फ्री, मतलब ऐसा थोड़ी है कि वो एक्सेलरेट नहीं कर रहा है. अगर एक्सेलरेट नहीं करता तब फिर आप बोलते हैं वहां पे इनफिनिट टेंशन जनरेट हो रहा है, सिस्टम तो गिर रही है वहां पे नीचे में, तो इसलिए वो सिचुएशन क्रिएट हो रहा है. समझ आ रही है आपको? आप सोचो कि जब सिस्टम एक्सेलरेट करती है नीचे की तरफ, तो जो टेंशन जनरेट होता है वो ग्रेविटी के इक्वल होता है या ग्रेविटी से नीचे कम होता है? टेंशन जी इफेक्टिव के इक्वल होता है ना, एम इंटू जी इफेक्टिव आता है ना. हाँ तो जी इफेक्टिव तो जी से कम आएगा क्योंकि एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है सबका, तो इसीलिए जितना ज्यादा एक्सेलरेशन होगा उतना ही क्या होगा, टेंशन घटता चला जाएगा. समझ आ रही है? ओके ओके अच्छा हाँ समझ. तो ये तो फोर्स ऑन सीलिंग मिल गया हमें. अब नेक्स्ट पूछा था उसने एक्सेलरेशन ऑफ परफॉर्मर्स ब्लॉक, ये तो सिंपल है, एम जी माइनस टी बाय मास करना है. सो एक्सेलरेशन ए वन जो चाहिए दैट विल बी एम जी माइनस टी एंड डिवाइडेड बाई मास एंड दैट विल बी एम जी माइनस थ्री एम जी and divided by mass, which is coming out to be minus of 2g. Negative आने का मतलब क्या है? हमने acceleration a1 को किधर choose किया था? नीचे की तरफ किया था ना? हाँ सर. And उसकी value अगर negative आ गई है, किसी भी vector के साथ negative आने का मतलब क्या है? Direction उल्टा होना. तो हमने choose किया था नीचे की तरफ, and ये नीचे की तरफ नहीं आ रहा है. इसका मतलब ये definite है कि ये ऊपर की तरफ जा रहा है. And that acceleration's magnitude is basically 2g. समझ आई? हाँ सर. Shows that the direction of acceleration is opposite to chosen one. Opposite to chosen sir, downward direction. हाँ. Sir, एक चीज बोल रहे सर, आप tension का value 3 mg substitute किए है? हाँ, substitute किया ना. ओह, 3 mg by 2 है क्या? हाँ सर, 3 mg by 2. ओह, अच्छा अच्छा अच्छा. अगर वो negative आता तो अब तो negative नहीं आएगा. 3 mg by 2 तो ये आ जाएगा आपका. नहीं नहीं, अभी भी तो negative g by 2 आ रहा है ना. हाँ, negative आ रहा है, but negative आ रहा है. ठीक है, negative of g by 2 आ रहा है. ठीक है, negative shows that the direction of acceleration is opposite to the chosen downward direction. That's it. Therefore, acceleration is upwards g by 2. ठीक है, समझ आ गई सभी को? हाँ सर. ठीक है.